Good morning. Please be seated. Please sit. So our first class. Okay. So today what we will do, we will give you an orientation and do one topic. These 10 classes we have planned in such a manner so that you get an overall view of the syllabus as well as the exam. अब एग्ज़ाम के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो हम लोग बहुत अच्छे से उसको टारगेट नहीं कर पाएंगे. बहुत सारा कन्फ्यूजन वरना बना रहता है ना. यू मस्ट हैव सीन पीपल, पता नहीं क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस डायरेक्शन में सोचना है यूपीएससी से रिलेटेड. तो वो जो डायरेक्शन है हम इन 10 दिनों में सेट करेंगे. आपको एक ग्लिम्स भी मिलेगा कौन कौन आपको पढ़ाएगा, है ना. अनटिल एंड अनलेस यू नो द टीचर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पर्सन टू बी, यू नो, एक फीलिंग नहीं आती कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है, क्योंकि टीचर से ही वो फीलिंग आती है कि मुझे पढ़ना है. तो इसीलिए एक इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा सब टीचर्स का हमारे, और सारे सब्जेक्ट्स का भी एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि किसको कैसे कैसे आपको किन किन टीचर्स से पढ़ना है, कि वो कैसे कैसे पढ़ाएंगे, वो किस तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे. हर टीचर का पढ़ाने का एक तरीका होता है, उस तरीके को अगर आप पहले से जान लेते हैं तो उसकी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं. सो दिस इज a kind of a feeling of the entire course. हम लोग ये कोर्स तेजी से धीरे सब तरीके से कवर करेंगे. तेजी से किन एरियाज में, जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. लेकिन नहीं पढ़ाया तो आप लोग बोलोगे ओहो पढ़ाया नहीं. और धीरे कहाँ पे, जहाँ पे सच में क्वेश्चंस आते हैं. Now UPSC has a certain quality of being uncertain. है ना, यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन भी है. अनसर्टेन क्यों? अनसर्टेन है, सच में अनसर्टेन है. कब पैटर्न चेंज कर दे, कब किस एरिया से क्वेश्चंस पूछने लगे, हमें नहीं पता. इसीलिए सबसे पहले हमें जिस चीज के बारे में पता होना चाहिए वो है हमारा सिलेबस. क्योंकि चाहे कुछ कर लो, लेफ्ट राइट अप डाउन, सिलेबस इज द की. And if you know the syllabus, you can actually prepare for the examination and you can prepare for this examination. तो इसीलिए syllabus को जानना बहुत जरूरी है. आप सबके पास syllabus की copy आ गई है? Bible है ये, गीता कुरान जो मानो, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, यूपीएससी में आ गए हो अब यही है. इस syllabus को याद कर लेना है, रट लेना है. ये याद रखना, कोई भी अगर आपको आपका सिलेबस ही नहीं पता तो आपको पता ही नहीं एग्जाम में किस तरफ जाना है, क्या इम्पोर्टेंट है. कल कोई क्वेश्चन आया और आपको पता ही नहीं सिलेबस के किस पोर्शन से आया, तो आप कैसे ओरिएंटेशन सेट करोगे अपना, है ना. सो दिस इज द बेसिस, ये हमेशा आपके साथ होना चाहिए. नहीं है तो कर ऑन है. Voice is online students, am I audible? Alka Singh, I think you are unmuted. Yes ma'am, oh yes I am audible. आवाज बुलंद है हमारी, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, कोई problem? Online students, any problem? Okay, fine fine, thank you so much. Okay. आप अब से जब भी ट्रैवल करो, किसी भी क्लास में जाओ, खास ऑप्शनल के अलावा, है ना, यू शुड हैव योर सिलेबस विद यू. रीड इट, लर्न इट, रट्टा लगाना है सुबह और शाम. जब तक कि अगर मैं आपसे ऐसे सडनली पूछ भी लूं, अरे इकोनॉमिक के 5 टॉपिक्स बताओ, तुरंत 5 टॉपिक्स आप बता दो, उस दिन सोचो आपकी तैयारी शुरू हुई है ना. उसके पहले तक तो सिर्फ टल्ले चल रहे हैं इधर से उधर. टल्ले मतलब यू आर जस्ट रोमिंग हेयर एंड देयर एंड डूइंग नथिंग. यू आर नॉट अ सीरियस एस्पिरेंट, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू आर नोइंग व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज योर सिलेबस, यू डोंट नो योर डायरेक्शन. फर्स्टली सिलेबस, वी विल डिस्कस इट ऑल्सो, हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट. बिफोर दैट लेट अस डिस्कस समथिंग. देर आर टू एंड थ्री थिंग्स बिफोर वी स्टार्ट आर प्रॉपर क्लास वी विल लाइक टू डिस्कस. First is
आप में से कई लोगों का सवाल है और कमेंट्स में भी बहुत आ रहा था, तनु मैम ने जॉब क्यों छोड़ दी? तो मैंने सोचा बता दिया जाए कि क्यों छोड़ दी। तो भाई मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, 7.5 साल मैंने नौकरी करी, आई वर्क फॉर 7.5 ईयर्स इन गवर्नमेंट, सो देर वॉज नथिंग एज सच कि मुझे वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, इट वॉज गोइंग वेरी लवली, बट आई फाउंड सम प्रॉब्लम्स हेयर इन UPSC थिंग। आई वॉज माई सेल्फ एन एस्पिरेंट एंड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड आई नो वट द स्ट्रगल इज, वट आर द पेन पॉइंट्स, एंड आई जस्ट थॉट लाइफ गिव सम अपॉर्चुनिटी एंड सम moments when you can do something to correct something, and I had the leverage because my husband is already into services, so I could do and take the risk of going forward in my life. Then what is tathastu? Tathastu is again an enigma. Some people are like, pata nahi kya hai tathastu, ma'am ne kya khola hai, ye degree program kya hai, ye kyun degree ke sath UPSC coaching to main aise hi mil jati hai, to degree ki kya zarurat hai hum logo ko? मैंने बताया था ना यूपीएससी का दूसरा नाम क्या है, अनसर्टेन पीएससी। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा ले आओ, उसको सबसे इंटेलिजेंट टीचर से पढ़वाओ, सबसे बेस्ट कोर्स पढ़वाओ, बहुत प्रैक्टिस करवाओ, उसके बाद भी कोई दुनिया में खड़े होके ये नहीं कह सकता कि ये बच्चा 100% सेलेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ देखा, IIT IIM एक एक बार में क्लियर, UPSC 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, उसके बाद अब क्या करें, अब वापस जाएंगे तो नौकरी नहीं, पढ़ इतना लिए कि कुछ और कर नहीं सकते, अब इतना पढ़ लिए ना, अब दोबारा से जाके नॉर्मल स्टेनो वाला काम होता ही नहीं, पहले नहीं पढ़ते तो हो जाता लेकिन अब नहीं होता, तो बड़ी परेशानी। सो ये जो, और पता है हमेशा जब भी आप यूपीएससी के बारे में सुनेंगे ना, आप किन लोगों के बारे में सुनेंगे? नहीं, आपके हाथ से चल रहा है, मेरे हाथ से नहीं चल रहा है। हम किन लोगों के बारे में सुनेंगे? हजार लोग। वो कौन से हजार लोग हैं? सेलेक्टेड हजार लोग, हमेशा उन्हीं के बारे में बात सुनते हैं, टॉपर स्टॉक। मैं पहले ऐसा था, फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, मैंने एक्स ज्वाइन किया, वाई किया, और फिर मैं ऐसा हो गया। ऐसा हो गया मतलब सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये वो हजार लोग हैं जिनके बारे में हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन कितने लोग फॉर्म भरते हैं? लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। कितने बच्चे एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का? इसके लगभग आधे डर जाते हैं। 5 से 6 लाख, मान लो 6 लाख, ठीक है ना, 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने सिलेक्ट होते हैं? 1,800 से हजार, हजार से ज्यादा वैकेंसीज ही नहीं आती, 800 के करीब आती है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा मोटिवेशन सही रहेगा, राउंड फिगर भी रहेगा, 1,000 ले लेते हैं, है ना। तो 6 लाख हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अच्छे से, मैं मानती हूँ कि प्रीलिम्स दिया है तो बेसिक तैयारी कर रहे होंगे। 1,000 बच्चों का तो ठीक है, उनका क्या जो 5,99,000 लोग हैं दोबारा से पेपर देंगे, फिर अगले 5,99,000, फिर अगले 5,99,000, यानी कि एक बहुत बड़ा लॉट है जो यूपीएससी की तैयारी के लिए आता है, कोचिंग करता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, है ना। तो अगर आप कहीं पर भी जाएं और आपको कोई ये बोले ज्वाइन अस 100% सक्सेस गारंटीड, तो सबसे पहले शक की निगाह से देखना है, उसको स्टैटिस्टिक्स बताने हैं, है ना। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, मुझे जो समझ में आया, मेरा सॉल्यूशन ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए, यानी कि आप हमारे पास आए 12th के बाद,
तथास्तु के अंदर आप ग्रेजुएशन और यूपीएससी की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं. दिस इज अ 3 ईयर कोर्स एंड इन दिस 3 ईयर कोर्स एट द एंड ऑफ योर लास्ट सेमेस्टर यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ यूपीएससी. आपने कितने साल बचाए? 3 साल ग्रेजुएट. अगर कोई नॉर्मल बंदा आता वो 3 साल ग्रेजुएशन करता, फिर 1 साल कोचिंग करता, फिर अगले साल एग्जाम देता. दैट्स द नॉर्मल साइकिल. और हम मान ले फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है तब, तो ये 2 साल आपने यहाँ पे बचा लिए, क्योंकि 3 साल के बाद आप सीधा सीधा एग्जाम दे सकते हैं और 3 साल रगड़ के पढ़ाई करिए. क्योंकि सिलेबस ऑफ बीए एडमिनिस्ट्रेशन विच वी हैव इंस्टीट्यूटेड थ्रू मंगलायतन यूनिवर्सिटी इज एग्जैक्टली द सेम एज ऑफ यूपीएससी. सेम सिलेबस, इट्स नथिंग डिफरेंट. 2 साल बच गए. दूसरा तरीका क्या है? बच्चा आया ग्रेजुएशन के बाद, उसने एमए एडमिनिस्ट्रेशन करा. ग्रेजुएशन के बाद आप आए तो एक तरीका तो ये है कि अपना नॉर्मल पढ़ाई करो, अगले साल एग्जाम दो. 2 साल आप क्या रहे, किसी को क्या बताओगे क्या कर रहे थे? अगर हमारे साथ करोगे तब मास्टर, नॉर्मल करोगे तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन कहीं पर भी मार्केट में जाएंगे और यूपीएससी को भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो कहेगा 2 साल से क्या कर रहे थे भाई? यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे सर. अच्छा, 2 साल करते रहे उसके बाद भी? समझ रहे, गैप ईयर्स. इंटरव्यू में सुना होगा ना, गैप ईयर्स एक्सप्लेन करने बड़े मुश्किल हैं, मार्केट में जाएंगे नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है. ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज क्योंकि कोचिंग की कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं. एसेंशियल वैल्यू है एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी, लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं. तो इसीलिए इट्स बेटर एमए एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, एक पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगी लगे हाथ और यूपीएससी की कोचिंग भी हो जाएगी. इसी तरह 1 साल का डिप्लोमा भी. तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके. इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये तथास्तु को लाया गया. इसका और कोई खास मकसद नहीं है. दिस इज वन. सेकेंड जो इसका मकसद एक है वो है डी क्लटर करना तैयारी को. डी क्लटर मतलब आलतू फालतू की जितनी भी जो मिथ्स एसोसिएटेड हैं उनको हटाना. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यूपीएससी आस्क्स एनीथिंग अंडर द सन? नहीं ना. अब मेरे पास तो इंटेलिजेंट बच्चा ही आता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीएससी के नास्क एनीथिंग. नहीं, अगर ऐसा होता तो जो बच्चा पहली बार में एग्जाम निकाल रहा है वो अगली बार में क्यों निकाल रहा है, फिर तीसरी बार में फिर निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है? मैंने 6 बार प्रीलिम्स निकाला, 6 बार अच्छे नंबर से निकाला. अगर कुछ ट्रिक नहीं है, अगर कुछ कोर टॉपिक्स नहीं है, तो हर बार एक ही बच्चे का क्यों निकल रहा है? अगर भी लॉटरी भी निकलती है, आप 10 बार डालोगे, अगर लॉटरी है तो कभी किसी की निकलेगी, कभी किसी की निकलेगी, ऐसा नहीं है ना. तो यानी कुछ तो फिक्स फॉर्मूला है. तो ये एक मिथ नहीं है, इसको मानना नहीं है. तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा, पहली चीज. दूसरा मिथ कि उन लोगों का होता है जो कि बड़े इंटेलिजेंट, कॉन्वेंट स्कूल एजुकेटेड, अर्बन. यूपीएससी की लिस्ट उठा के देखो, सब वेरिएंट्स मिल जाएंगे. मैं तो बहुत बच्चों से कांटेक्ट में रहती हूँ, आपको वो बच्चे भी मिल जाएंगे जो एकदम लोअर स्ट्रेटा से आए हैं, आपको वो बच्चे भी मिल जाएंगे जो एकदम रूरल है, जिन्होंने कभी शहरों का मुंह नहीं देखा, आपको वो बच्चे भी मिल जाएंगे जो फॉरेन से पढ़कर आए हैं. सब टाइप के बच्चों का सिलेक्शन होता है. तो ये मानना कि हमारा नहीं होगा, उनका होता है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से नहीं है, मैं तो IIT से नहीं हूँ, मैंने तो प्राइवेट कॉलेज से किया है, नो. सबका सिलेक्शन होता है. बात इतनी है, क्या आप इतने समय के लिए मेहनत करने को तैयार हैं? 2 साल 3 साल 1 साल वट एवर. देखो, 3 साल में मेहनत कम करनी पड़ेगी, 2 साल करोगे और मेहनत करनी पड़ेगी, 1 साल में तैयारी करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना. मेहनत की बात, सिलेक्शन हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं आती. दिस इज आर स्टार्टिंग हमारा. अगर हम भाई, ये कैसे जाएगा इधर?
ऐसे करना पड़ेगा हर बार. ओके तो दिस इज आर, हमारा भी नया नया ना ये. तो हमारा भी नया नया, हमें भी पहली बार पे सीखना पड़ रहा है कैसे चलेगा ये. तो ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस है, ये आप सबके पास है. ये जितना भी सिलेबस हमारे पास है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब दूसरा एनिग्मा, ये तो हम पढ़ेंगे, ये सबके लिए आपके पास प्रॉपर टीचर्स आएंगे. पढ़ना एक चीज है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन पढ़ते तो सब है, लेकिन प्रीलिम्स में पास होने के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है. आज सुन लो, कल सुन लो, परसों सुन लो, बात वही है. प्रैक्टिस इज दी की. आपने पढ़ लिया, तुरंत चेक करो क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो. अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं तो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, नोट्स अच्छे हैं. अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे, बड़े सुंदर नोट्स हैं, येलो पर्पल ग्रीन, बेकार, टीचर बड़ा अच्छा है, एकदम एंगेज कर देता है, क्लास में ऐसा लगता है कि चमत्कार हो गया एकदम, क्वेश्चंस हो नहीं रहे, मतलब कोई फायदा. जो आपने पढ़ा, जो आप पढ़ रहे हो, उससे क्वेश्चंस बनने चाहिए. एक ही क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया क्या है? पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर. अगर उस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो पढ़ाई अच्छी है, नोट्स अच्छे हैं. अगर नहीं कर पा रहे, बस सिंपल. जितना ऑब्जेक्टिव हम अपनी अप्रोच में रहेंगे, ऑफिसर बन रहे हैं ना, तो इमोशनल नहीं होना बात बात पे. ऑब्जेक्टिव अप्रोच, प्रीलिम्स क्लियर करना है, और क्लियर करने का एक ही तरीका है, अपना पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे. हम ये देखेंगे क्या हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं या नहीं. यही हमारा ट्रेंड रहेगा हर सब्जेक्ट में. जिस सब्जेक्ट में अगर हमें हल्का सा भी लगेगा कुछ डाइग्रेशन है, वी विल करेक्ट इट. लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिर्फ एक है, सेलेक्ट होना. मैं सिलेक्ट हुई तो इसलिए आप मेरा ज्ञान सुन रहे हो, इसीलिए तो सुन रहे हो ना. तो आप लोगों को भी अगर अपना ज्ञान देना है तो क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट होना पड़ेगा. सिंपल फंडा, सेलेक्ट हो जाओगे लोग सुनेंगे, नहीं सेलेक्ट होगे तो सिंपल. तो सेलेक्ट होने का ऑब्जेक्टिव रहना है. जब भी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि क्या हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं. सिंपल. फिर आया दूसरा एनिग्मा, सी सैट. सी सैट आजकल तो बड़ा खबरों में है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या पूछ लिया यूपीएससी ने. भाई ऑफिसर बन रहे हो, मैथ्स आता नहीं है ना. अब आपके पास एक डील आई, एक फाइल आई, जिसके अंदर है 17 करोड़ की सड़क बननी है ना, उसमें से इतना लाख उसके पास जाएगा, इतना उसके पास जाएगा, इतने का ये है, इतने पर स्क्वायर फीट का ये रेट दे रहा है, इतने पर स्क्वायर फीट का वो रेट दे रहा है, इसके अंदर ये कंपोनेंट है, इसका ये है, ये है, ये है. फाइल आई. अब मैथ्स तो आपको आता नहीं, ऑफिसर बन के क्या करोगे? किसी और को बुलाओगे कि अरे भाई असिस्टेंट भाई साहब प्लीज बता दो मुझे कि ये कितने गुना क्या होगा? नहीं ना, मैथ्स आना चाहिए, बेसिक मैथ्स है. कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो पूछ नहीं लिया तुमसे कि बताओ ये केमिकल उसमें डलेगा तो क्या मरेगा, ये तो नहीं पूछ लिया तुमसे. बेसिक चीजें पूछ, मैथ्स है, मैथ्स करना पड़ेगा, है ना. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बड़ा हल्ला मच रहा है. देखो यूपीएससी जैसे भगवान से नहीं पूछ पाते ना हम लोग अक्सर कि भगवान ऐसा तुमने क्यों किया, क्यों गलत किया हमारे साथ, उसके साथ, उसी तरह यूपीएससी से नहीं पूछ सकते. नेक्स्ट टू भगवान है वो, क्यों किया, लेकिन पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अपने कर्म कर सकते हैं. सिंपल. तो तैयारी करेंगे. सी सैट 15 दिन का काम नहीं है. 15 दिन में कोई मैथ्स नहीं सीख सकता. नो बडी कैन लर्न मैथ्स इन 15 डेज. इट हैज टू बी अ ग्रेजुअल थिंग बिकॉज इट इज समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस. हाउ विल वी प्रैक्टिस? एवरी वीक यू शुड हैव वन क्लास, मतलब वी विल गिव यू वन क्लास, यू शुड हैव वन क्लास ऑफ सी सैट. बिकॉज अंटिल एंड अनलेस एक प्रॉब्लम आपको एक हफ्ते के अंदर आपको एक तरीका सिखा दिया एक चीज को करने का, प्रैक्टिस भी तो करोगे.
अब वॉल्यूम का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे? 15 दिन में सब घोट के तुम्हें पिला दिया, प्रैक्टिस तुमने की नहीं, फॉर्मूला रट के काम चलता नहीं, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में फॉर्मूला याद आता नहीं, अनटिल एंड अनलेस यू हैव प्रैक्टिस्ड इट अलॉट। तो सी सैट इज समथिंग, इट हैज बिकम इम्पॉर्टेंट। पता है ना ये 200-200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, है ना? अरे भाई साहब, ये भी 200 नंबर, ये भी 200 नंबर। जब ये 200 नंबर वाला आप क्लियर कर लेते हो ना, क्वालिफाइंग है 33%, उसके बाद आपका ये चेक होता है। इसके अंदर आप ले आए 120, चेक ही नहीं होगा अगर सी सैट गड़बड़ है, सिंपल फंडा। और अगर आपने ये वाला कोर्स, ये वाला ढंग से करा है और इसको ढंग से प्रैक्टिस करा है, फाइन। प्रिलिम्स समझ में आ गया? प्रिलिम्स क्या होता है? वो जो 5 लाख बच्चों की बात हुई थी ना, 5-6 लाख बच्चे जो प्रिलिम्स दे रहे हैं, वो यहाँ इस स्टेज पर हैं। इस स्टेज पे जब ये आपका क्वालिफाई हो गया, इसके नंबर आपके थ्रेशहोल्ड या कट ऑफ से ऊपर है, देन यू गेट सेलेक्टेड फॉर मेंस। ये हमें पता है, 80 क्वेश्चन आते हैं ये सब। खैर सी सेट जब आप करोगे तब समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चन किसमें आते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है 0.3। क्यों होती है? कंपटीशन ना, लक फैक्टर शुड नॉट वर्क, गेस्ट वर्क नाउ। बिल्कुल, बहुत सही बात है। लक फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए नेगेटिव मार्किंग है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक ऑफिसर की गलती की कीमत होती है, सिंपल। If you are an officer, if you are making mistakes, there is a cost to it. And if you are preparing to be a civil servant, if you are doing questions in prelims, there has to be cost to it. आपने कोई decision लिया, randomly ले लिया, बिना सोचे समझे, आपको तो नुकसान होगा ही, जनता को बहुत नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। तो हम लोग ऐसे लोग चाहते ही नहीं जो बिना सोचे समझे कुछ भी टुक्के लगा देते हैं, थोड़ा सा पता होने पर ही मार्क कर देते हैं। सुना है मैंने कहीं 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 तो सुना है, टक ना, ऐसे लोग नहीं। हमें वो लोग चाहिए जो पता है, एक्यूरेटली पता है, अगर थोड़ा सा गेस वर्क, जिसे कहना चाहिए लीप ऑफ फेथ भी है, तो वो भी कैलकुलेटेड है, रैंडम नहीं है। दैट इज व्हाई नेगेटिव मार्किंग इज देयर एंड इट इज इंपॉर्टेंट। ये सब डेटा है, वो आपकी शीट में भी होगा, वो इसलिए है ताकि आपको एग्जाम की ग्रेविटी का अंदाजा रहे। फिर आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेज पे। लगभग 10,000 बच्चा उन 5-6 लाख बच्चों में से सेलेक्ट होता है मेंस के लिए। मेंस इज द सेकंड स्टेज। प्रिलिम्स में भी बच्चे पास हुए हैं, अब वो मेंस देंगे सितंबर के राउंड, ठीक है। अब ये जो 10,000 बच्चे हैं, ये 9 एग्जामिनेशंस लिखते हैं, 9। फर्स्ट इज, पहले ऐसे वाले करते हैं जो हमारे वो है, एक है कंपलसरी लैंग्वेज और एक है इंग्लिश क्वालिफाइंग, दोनों क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज एंड इंग्लिश, बट बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल लगभग 1000 से 1200 बच्चा, कभी कभी 1500 बच्चा इन लैंग्वेज पेपर्स में फेल हो जाता है। पता चला? आप पता था इस बात का? नहीं पता था ना? हाँ, क्योंकि ये भी बताने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि लगता है अरे लैंग्वेज पेपर ही तो है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इनके ऊपर भी ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो इतना जो एग्जाम लिखे कोई फायदे के नहीं। देन GS1, GS2, GS3, GS4, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक दिन में होता है ये एग्जाम, एक दिन में होता है ये एग्जाम। कितने घंटे लिखना है हमें? एक दिन में 6 घंटे। क्या चाहिए एक दिन में 6 घंटे लिखने के लिए? प्रैक्टिस और स्टेमिना। किस किस ने अभी तक 6 घंटे लिख के देखा है? एक दिन लिख के देखना, ये जो हाथ है ना ऐसे ही रह जाता है,
ऐसे ही अकड़ जाता है ना, यहाँ पे दर्द हो जाता है। अब जिन्होंने 6 घंटे, हमने तो बहुत बार लिखा है, मैंने तो, मैं तो 4 मेंस दिए हैं तो मुझे पता है ना, ये दर्द हो जाता है, यहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, खूब दर्द होता है ना। आयोडेक्स लेके जाते हैं सब लोग, वो स्प्रे लेके जाते हैं, मारते हैं और एग्जाम देते हैं, है ना। लेकिन फिर भी 6 घंटे लिखने के लिए नीड प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इज द की, एंड इट शुड बी स्टार्टिंग विद डेली प्रैक्टिस, देन वीकली प्रैक्टिस, देन मंथली प्रैक्टिस, एंड देन प्रॉपर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस ऑफ 6 आवर्स राइटिंग। एंड 6 आवर्स राइटिंग ये नहीं कि शायरी लिखनी, मीनिंगफुल राइटिंग, दिमाग भी साथ साथ चलाना है, मीनिंगफुल राइटिंग, एकदम रेलिवेंट। तो ये तो हमारा मेंस की है, इसकी तैयारी तो ऑफ कोर्स राइटिंग प्रैक्टिस डेली करेंगे, वीकली भी करेंगे, मंथली भी करेंगे, और एग्जाम प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इस वाले सिलेबस को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि इट्स अ डिटेल्ड सिलेबस। फिर हमारा है एसे, अगेन 250 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एसे क्यों पूछा जाता है, एनी आइडियाज? ऑनलाइन वाले बच्चों में से भी कोई जवाब देना चाहता है या सब ऐसे गुमसुम से बैठे हैं? कैसे पता चलेगा हमें? यस प्लीज गौरव चौरसिया, गौरव चौरसिया अनम्यूट योर सेल्फ। हमारे पास स्पीकर काम कर रहे हैं, हमारे स्पीकर्स तो काम कर रहे हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो हेलो, यस यस यू आर ऑडिबल। मैं भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे क्यों इंट्रोड्यूस किया होगा यूपीएससी ने? ओके ओके, वन वे टू लुक एट इट, एनी अदर थिंग टू चेक? नहीं, ऑब्जेक्टिविटी तो चेक हो गई प्रीलिम्स में। इमेजिनेशन पावर, यस ओके, प्लीज म्यूट योर सेल्फ नाउ। देखो सिंपल सी बात है, कभी कभी ऐसे मौके आएंगे जब 150 पन्ने की फाइल मिलेगी और नोटिंग लिखनी है 2 पैराग्राफ की, वो क्या है? आंसर राइटिंग, वही प्रैक्टिस है, इससे आगे की कोई चीज नहीं है। ज्यादा हाई फाई बात समझने की कोशिश मत करना, क्यों प्रैक्टिस करा रहा आंसर राइटिंग 150 से 200 वर्ड्स की या 250 वर्ड्स की? क्योंकि 150 पन्ने की फाइल पढ़नी है, लिखना कितने में? एक पेज में, ज्यादा से ज्यादा 1.5 पेज में, तो ज्यादा से ज्यादा 2 पेज बस, इससे ज्यादा बड़ी नोटिंग नहीं लिखते ऑफिसर्स जनरली, जब तक कि 1700 करोड़ की बात ना हो, मतलब जब तक बहुत बड़ा कोई बात ना हो तब तक, वरना 2 पेज है ना। वही प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको आंसर है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, आपके पास काम की बात है या जो भी आपके आइडियाज हैं वो आप 1 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन रिपोर्ट थोड़ी बल्की होनी चाहिए। कोई ऐसा कहेगा 1 पैराग्राफ की रिपोर्ट? बुरा लगता है कहने में भी, है ना। तो ऑफिसर का एक काम ये भी है कि चीजों को एक्सपैंड करके अलग अलग डायमेंशन में एनालाइज करे, और वो काम क्या करवाता है? ऐसे कैन यू इमेजिन, कैन यू क्रिएट, कैन यू थिंक बियॉन्ड व्हाट इज जस्ट गिवन इन अ टाइटल? क्या उसके बियॉन्ड जा सकते हो या नहीं जा सकते? सिंपल, अगर फिलॉसफी पता है आप अच्छा ऐसे लिख सकते हो, अगर नहीं पता, आपको नहीं पता कि भैया इसको एक्सपैंड कैसे करना है, इसको कहां मैं किस किस डायमेंशन में खोलूं, लोग ऐसे हो जाते हैं क्या लिखे अब इसके आगे, अब बात तो लिख दी इसके आगे क्या लिखे, अब वो नहीं आना चाहिए मेंटल ब्लॉक। उसके लिए हमारी एक पर्टिकुलर लेवल की प्रिपरेशन होती है, और बेस्ट पार्ट इज हमारे साथ जो ऐसे पढ़ा रहे हैं सर, ही हिमसेल्फ इज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड ही स्कोर्ड 150-155 ईच ईयर, ही हैज दैट हेक ऑफ एसे राइटिंग।
डेफिनेटली इट इज वेरी गुड. उसके बाद आता है ऑप्शनल. सबके अपने अपने ऑप्शनल होते हैं. Whatever optional you have chosen or you have made a choice of, it's fine. कोई optional बुरा या अच्छा नहीं होता. हर optional से selections होते हैं और हर optional का बच्चा number पाता है. खत्म. आपको पसंद है आपका optional? Work hard, practice, get marks, finish. अगर आपने किसी भी और इन्फ्लुएंस में अपना ऑप्शनल लिया एक्सेप्ट योर इंटरेस्ट एंड योर कॉम्पिटेंस देन देयर इज अ प्रॉब्लम. एक्स ने कह दिया था कि ये ऑप्शनल अच्छा है तो ले लिया. टॉपर ने कह दिया था ये ऑप्शनल अच्छा है तो ले लिया. उसके लिए अच्छा हो सकता है, तुम्हारे लिए नहीं अच्छा. उसे चॉकलेट पसंद है, तुम्हें वनीला पसंद है. सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी कॉम्पिटेंस अलग अलग है. किसी के लिए मैथ्स ईजी है, किसी के लिए ह्यूमैनिटीज ईजी है, किसी के लिए साइंस ईजी है, किसी के लिए हिस्ट्री ईजी है. डिफरेंट. तो सबका अपना अपना है. जिसका जो भी ऑप्शनल है वो उसके लिए, अगर उसने इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंसी से लिया है, वो सही है. बहुत ज्यादा समय ऑप्शनल चूज करने के लिए नहीं लेना चाहिए. मैंने देखा है लोग 3-3 महीने तक ऑप्शनल ऑप्शनल खेलते रहते हैं. आप में से भी कोई खेल रहा है क्या ऑप्शनल ऑप्शनल? है ना, खेल रहे हो या नहीं खेल रहे मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे फ्यूटाइल एक्टिविटी है दुनिया की. और जो लोग नहीं सेलेक्ट होते उसका प्राइम कारण है ये ऑप्शनल ऑप्शनल खेलना. किसी ने कह दिया ओ सोशियोलॉजी अच्छा है, सोशियोलॉजी भी एक बार 4 क्लासेस करके देख लेते हैं डेमो. फिर एक ने कह दिया ओहो तनु मैम तो फिलॉसफी पढ़ाती हैं, चलो फिलॉसफी के लिए 10 दिन वेट कर लेते हैं, फिर एक 4 डेमो उसका भी ले लेंगे. फिर अरे लेकिन मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मुझे तो मैकेनिकल लेना चाहिए था, मुझे तो ये लेना. व्हाट इज दिस? आप अपना ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर पा रहे और आप सोच रहे हो सरकार आपको जिले की इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड करने को दे दे. मतलब सोच रहे हो, हिपोक्रेसी समझ में आ रही है? यू कैन नॉट डिसाइड योर ऑप्शनल एंड यू थिंक गवर्नमेंट शुड गिव यू द पावर टू डिसाइड विच पीपल टू इंक्लूड इन अ स्कीम एंड विच नॉट टू इंक्लूड. सीरियसली, डिसाइड योर ऑप्शनल एज सून एज पॉसिबल. 10 दिन से ज्यादा ये गेम नहीं चलना चाहिए. अगर आप उसे 10 दिन से ज्यादा का समय दे रहे हैं, आप ना सेलेक्ट होने की तैयारी कर रहे हैं. सिंपल है ना. यहाँ पे आए हो, मम्मी पापा का पैसा लगा रहे हो, समय लगा रहे हो. समय सबसे बड़ी कीमत है. यू आर इन योर प्राइम ऑफ योर यूथ. अपना समय लगा रहे हो तो सिलेक्शन की तैयारी करो, ना सेलेक्ट होने की तैयारी ये गेम खेल के मत करो. ये कोचिंग एक्स कोचिंग वाई खेल के मत करो, है ना. और ये टेस्ट सीरीज 1 टेस्ट सीरीज 2, नोट एक्स नोट वाई नोट जेड, इन सबसे किसी को कुछ नहीं मिला. किसी की भी सिलेक्टेड बंदे की बात सुनोगे वो क्या कहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज. अगर इतने लोगों के कहने के बाद भी हम ना समझें तो हम क्या हैं? मैंने कुछ नहीं कहा कि कौन क्या है, लेकिन सब समझ गए. तो जो डिसाइड करना है ऑप्शनल डिसाइड करा, फिक्स फॉर्म, और उसके बाद उस पे काम किया, है ना. ये ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं खेलेंगे. फाइन. ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा जीएस पढ़ेंगे हम 1000 नंबर का, ऐसे 250 नंबर का. 1000 नंबर के लिए कई बार लोग इतना ज्यादा समय लगा देते हैं कि ये जो 500 और 250 750 नंबर है इनको भूल जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं करना. वी हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव. टाइम एफर्ट एंड कॉस्ट शुड बी इक्वली डिवोटेड टू मार्क्स. अल्टीमेटली मार्क्स एस से आए या जीएस से आए कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ में आ रहा? आटा एमपी से आए, हरियाणा से आए, रोटी बनने के बाद रोटी है भूख मिटाती है. उसी तरीके से मार्क्स ऑप्शनल से आए, एस से आए, जीएस से आए, जहां से भी आए सिलेक्शन कराते हैं. तो जो आपकी स्ट्रेंथ हो उस पे खेले. सिंपल. अब हम आते हैं हमारे सिलेबस पे. सिलेबस याद सब बच्चे करेंगे. कोई भी बिना सिलेबस को याद करे, अभी तुम्हें 5 दिन दिए जाते हैं, बड़ा सिलेबस है, 5 दिन सुबह शाम
याद करना है, अपनी टेबल्स के पास पेस्ट कर लेना है, इसको मत करना क्योंकि ये क्लास में लाना है, इसको फोटो सेट कराना और वो लगा लेना, ठीक है। नाउ व्हेन वी से इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर का मतलब है ऑल पार्ट्स ऑफ कल्चर, पेंटिंग, लैंग्वेज, एवरीथिंग, डांस फॉर्म्स, मार्शल आर्ट्स, पॉटरी, जितने इतने सारे सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो सब पढ़ने हैं। क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है और इसके लिए एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ अच्छी किताबें हैं मार्केट के अंदर, उनके कंटेंट को भी हम यूटिलाइज करेंगे। जो फेमस बुक्स हैं, एक नितिन सिंघानिया की बुक है, बड़ी अच्छी किताब है कल्चर के ऊपर, उसको भी हम अपने लेक्चर्स में इंक्लूड करेंगे। हमारे खुद के भी नोट्स हैं, वो भी हम आपको देंगे। मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सब आ जाएगा, एंशियंट, मॉडर्न, सारी चीजें हैं। पता है ना, हिस्ट्री भी चार तरीके की, छह तरीके की है, बल्कि एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड एंड आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर भी एक हिस्ट्री का ही पार्ट है, छह पोर्शंस हैं। ये सारा हमारा हिस्टोरिकल ही है, वर्ल्ड हिस्ट्री से कम क्वेश्चंस आते हैं, दो तीन, बहुत सारा सिलेबस है। सेलेक्टिव पढ़ते हैं बच्चे, सेलेक्टिव हम भी पढ़ेंगे, लेकिन कवर हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि किसी दिन यूपीएससी ने कहा ओह बच्चे वर्ल्ड हिस्ट्री कम पढ़ते हैं, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बता रहे हैं कि हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री कम पढ़ो, फिर क्या करेगा यूपीएससी, कितने क्वेश्चन डाल देगा, छह डाल देगा। अब छह क्वेश्चन डाल दिए, फिर वो लोग कह रहे हैं अनप्रिडिक्ट, आउट ऑफ सिलेबस, यूपीएससी इज अनफेयर। भाई उसने सिलेबस में लिखा था ना, उसने कहा था कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री से कम पूछूंगा, क्यों माना, किसने कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं पढ़ना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए। हमें नहीं पता किसका कब हमारा वैल्यू यूपीएससी इंक्रीज कर देगा, कब डिक्रीज कर देगा। वी आर जस्ट लाइक, वी आर नो वन टू जज गॉड, वी आर नो वन टू जज, सिंपल है ना। उसको प्रिडिक्ट करने की, उसके ट्रेंड एनालिसिस करने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, फिर वो डिलीट करते हैं, फिर अगला ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, है ना। तो ये सब फालतू काम है, तैयारी करो, ट्रेंड एनालिसिस मत करो, सिंपल। तैयारी है तो वो दो पूछे, छह पूछे, दस पूछे, वी आर नॉट वरीड, सिंपल फंडा, ठीक है। मैं आपको ये वाला पोर्शन पढ़ाऊंगी जो हम आज से शुरू भी करेंगे। दिस इज सोसाइटी एंड सोसाइटियल प्रॉब्लम्स, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में भी आता है इसका इम्पैक्ट, पेपर 3 में भी आता है इसका इम्पैक्ट। और एथिक्स, सोसाइटी तो है, कहाँ एथिक्स प्रैक्टिस करोगे, सोसाइटी में ही तो ना। वुमेन एम्पावरमेंट एथिकल इशू है, ये सारे इशूज कहीं ना कहीं एथिक्स से रिलेटेड है। तो हम इसको होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे, पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे ताकि हमें बेसिक समझ में आ जाए कि सोसाइटी है क्या, क्या उसका फंक्शन है, क्यों बनाते हैं हम सोसाइटी, क्या इश्यूज हैं उसके, वो हम बेसिक्स कवर करेंगे। लेकिन बेसिक्स से आंसर नहीं लिखे जाते, लेकिन बेसिक्स के बिना भी आंसर नहीं लिखे जाते, फर्क समझ में आ रहा है। तो बेसिक्स हम कवर करेंगे इशू को समझने के लिए, उसके कंटेक्स्ट को समझने के लिए, और जब हमारे कंटेक्स्ट फिट हो जाएंगे फिर हम उसमें डालेंगे ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब डेटा, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ताकि हमारा जो आंसर है वो कैसा लगे, गुड। ऐसे समझो डाटा फैक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक के अंदर,
आप जा रहे थे ट्रेन में, है ना, आपको मिले एक अंकल, अंकल ने कहा औरतों को काम बाहर करना चाहिए, देश की प्रगति की बात इसी में ही है कि औरतें बाहर जाएं और काम करें। ये तो हुई चाचा जी की बात, बात सही कह रहे हैं वो, है ना, लेकिन इम्पैक्ट सा नहीं पड़ा। लेकिन इसी की जगह आपने कहा IMF की रिपोर्ट के अनुसार इफ वुमेन पार्टिसिपेट्स इक्वली इन द इकोनॉमी देयर विल बी अ इंक्रीज ऑफ 27% इन GDP, देयरफॉर वुमेन शुड गो आउट एंड वर्क। कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा सही लग रही है? तो अगर IAS ऑफिसर मुंह से कोई शब्द निकाल रहा है तो वो पहले जैसे होने चाहिए या दूसरे जैसे? सिंपल बात, तो आंसर पहले जैसा होना चाहिए या दूसरे जैसा? तो पहले जैसा आंसर नहीं लिखना है, दूसरे जैसा लिखना है। हम कुछ टॉपर्स की कॉपीज भी देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं हमें किस लेवल पे पहुंचना है, बाकी सारी बातें तो फंडे हैं, है ना। अब मैंने आपको बताया डाटा डालना है, लेकिन कैसे वो हम देखेंगे कि किस जगह आपको पहुंचना है अपनी कॉपीज को लेके, कल देखेंगे, है ना, कल की क्लास में देखेंगे ये कॉपीज वाला। आज भी दिखा रहे हैं तो अगर ज्यादा ज्यादा भारी भरकम ना हो जाए, हाँ कहीं पता चले बच्चे गए हो मैम तो बहुत ज्यादा पढ़ा देती है एक ही दिन में, ऐसा भी वो नहीं है ना। तो दिस इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर हमारा सारा ज्योग्राफी आएगा, इंडियन और हमारा मतलब सारा वर्ल्ड वाला भी, हमारे टर्शरी प्राइमरी सारे सेक्टर, कोल कहाँ मिलता है, यूरेनियम कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, अर्थक्वेक क्यों आ जाता है, ये सुनामी क्यों हो जाता है, ट्रॉपिकल सब पढ़ेंगे। यही टॉपिक हमारे पेपर 3 से भी रिलेटेड है, जहाँ पे हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि भाई हो गया डिजास्टर, मैनेजमेंट किसका काम है? सरकार का, अगर आप ऑफिसर बनेंगे तो आपका, अगर दिस इज पेपर 2। पेपर 1 250 नंबर का था, जिसमें हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी और सोसाइटी पढ़ा। क्लियर पिक्चर? क्लियर? पेपर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री, सोसाइटी एंड, मेरा ही टॉपिक भूल गए, हिस्ट्री सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है। अब ये पेपर 2 है, ये भी 250 नंबर का है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट, सेपरेट सम टॉपिक्स लाइक सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये सारा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का ही अलग अलग गवर्नेंस का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उसमें होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगे के जीवन के लिए। यहाँ पे जो आप पढ़ते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग एज एन ऑफिसर यूज आता है। आपने यहाँ पे पढ़ा पंचायती सिस्टम के क्या क्या पावर्स हैं, जिले में जाओगे काम आएंगे। आपने यहाँ पढ़ा कि किस तरीके से पार्लियामेंट वर्क करता है, कभी किसी मिनिस्टर के साथ काम करोगे, कभी डिपार्टमेंट में पोस्ट होगे तो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस आएंगे, यू विल नो दैट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और असलियत के अंदर गवर्नेंस यही करना है बाहर जाके, ये सारा हमारा पॉलिटी एंड पॉलिटी। जो सोसाइटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जब मैं आपको सोसाइटी पढ़ाऊंगी तो उसका इम्प्लीकेशन यहाँ पे इन वाले इश्यूज में भी आएगा। यहां तक ये क्या है, सोसाइटी में कुछ गड़बड़ है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो करेगी वो यहाँ पे है। प्रॉब्लम कहाँ है? फर्स्ट पेपर में। सॉल्यूशंस कहाँ है? सेकंड पेपर में। आंसर फर्स्ट पेपर में आए, मतलब सोसाइटी का क्वेश्चन या कोई सा भी क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आए चाहे सेकंड पेपर में आए, दोनों को इंटीग्रेट करके लिखना है। ऐसा नहीं करना ओ ये तो नहीं, ये तो सेकंड पेपर का पार्ट है, ये वहां कैसे लिख देंगे, नहीं, इट्स अबाउट द होलिस्टिक नॉलेज। तो हम यहाँ पे SHGs, डोनर ग्रुप्स, ये सब वेलफेयर स्कीम्स, वल्नरेबल सेक्शंस की क्या है, बॉडीज और हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, सोशल सेक्टर, सर्विसेज, ये सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पर।
तो ये उसी का ही कंटिन्यूएशन आप समझ लो। उसके बाद रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, फिर ये वाला पोर्शन है हमारा आईआर। वेरी इंटरेस्टिंग, हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आते, वेरी इंटरेस्टिंग, करंट अफेयर्स से लिंक्ड रहता है ज्यादातर। इसको पढ़ने, अगर जनरली मैंने देखा है लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो पढ़ाना नहीं पड़ता, वो खुद भाग भाग के पढ़ते हैं। यहाँ पे कोशिश करनी है कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट मत ले लेना कि फिर, क्योंकि 3, 4, 5 है क्वेश्चन, जितने भी अगर यूपीएससी पूछेगा तो उतने आप अपने इंटरेस्ट से, अपनी नॉलेज से कर लोगे, है ना। इसको ये नहीं, कई लोग होते हैं ना वो कौन सी मैगजीन पढ़ने लगते हैं, कौन सी मैगजीन आती है, नहीं नहीं यार आईआर की बड़ी स्पेसिफिक्स है, वर्ल्ड इन फोकस, पता नहीं कौन कौन सी मैगजीन्स हैं आईआर की, वो पढ़ने, इतने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना हम आपको करवा देंगे, बाकी करंट अफेयर से हो जाएगा। बहुत हाई फाई डिप्लोमेट मत बनना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस स्टेज पर डिप्लोमेट मत बनना, अगर आईएफएस क्लियर होगा तो गवर्नमेंट करवा देगी उतना, फाइन। देन दिस इज आवर थर्ड पेपर, तो सेकंड पेपर में हमने क्या देखा, व्हाट आर द टॉपिक्स, पॉलिटी, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, सेकंड सोशल इश्यूज के सॉल्यूशंस एंड आईआर। सेकंड पेपर समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, कौन से 3 टॉपिक्स है बताओ, नहीं पीछे पीछे वाइट बताओ, वेरी गुड, मतलब आई हैव रीच्ड द लास्ट माइल, हाँ। तो ये हमारा है थर्ड पेपर विच इज इंडियन इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी करो हर चीज के अंदर एक चीज बहुत इन्वॉल्व होती है, वो क्या है, इकोनॉमी। घर से निकले, पहले तो घर में रह रहे थे, अपना था या किराए का था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से कभी आया था, फिर खाना खाया, कैसे आया, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, फिर ऑटो किया, रिक्शा किया, मेट्रो से आए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कुछ भी जीवन में करोगे एक्स वाई जेड, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमी इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन, फॉर अ सोसाइटी एंड फॉर अ इंडिविजुअल। तो ये रिलेशंस हमें पता होने चाहिए एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो, व्हाट इज गवर्नमेंट बजटिंग, व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर को क्या बढ़ाने के लिए करना चाहिए, फार्मर की प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम क्या है, क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए, क्या मोनोपोली को बढ़ावा देना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए, साइंस एंड, चलो पहले तो इकोनॉमी वाला ही कर लेते हैं कि भाई ये यहाँ तक हमारा मेजरली इकोनॉमी का पार्ट है जो बेसिक इंडियन इकोनॉमी है, फिर एग्रीकल्चर वाला पार्ट है यहां तक, दिस इज एग्रीकल्चर प्लस इकोनॉमी, इंडिया इज अ एग्रीरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी मेजर रोल। तो अगर आपको फार्मर, फार्मिंग से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स नहीं पता, क्या सॉल्यूशन दोगे, दिल्ली में रह रहे थे बचपन से, हमेशा से गेहूं लिया दुकान से, मतलब गेहूं भी नहीं लिया सॉरी, आटा, है ना, पहली बार पोस्ट हुए बलिया में, है ना, अब वहां जाके तुमने कहा अच्छा इससे आता आटा, इसे कहते हैं गेहूं, अब तुमने कुछ बस पढ़ा है ऊपर ऊपर से, ये होगा, है ना, फिर जाके तुम्हें बहुत सारी रियलिटीज पता चलेंगे और अपनी इग्नोरेंस भी पता चलेगी जगह जगह पे जाओगे तो, द आइडिया इज, लेकिन आपको अगर बेसिक अंदाजा है, आपने पढ़ा हुआ है, यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड कि MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गिवन बाय गवर्नमेंट क्या है, किन क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और दिया जाता है तो क्या वो कुछ गड़बड़ कर देता है इकोनॉमी में, भाई अगर सरकार ही एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये किलो में गेहूँ खरीद रही है तो मार्केट में 100 रुपये किलो से नीचे बिकेगा क्या, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, तो आम आदमी के लिए तो 110 रुपये किलो हो गया। ये सब प्रॉब्लम्स हम इकोनॉमी की समझेंगे, यू विल बी नेवर द सेम
whatever you are right now after studying polity and economy specifically. कि हर चीज में फिर पॉलिटी नजर आएगी और हर चीज में इकोनॉमी नजर आएगी. अभी बैंक जाते हो तो समझ में आता है बस चेक दे दो, ये हो गया. फिर समझ में आएगा ये रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, फिर अलग दिशा में बात होगी. ये MSLR क्या है, है ना, लोन एसेट है कि लाइबिलिटी है, ये सारी बातें होंगी. इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. फिर कभी CA किसी के साथ बैठोगे ना तो वो लगेगा अरे यार ये तो दूसरा आदमी CA लग रहा है, उसे बाद में पता चलेगा ओहो ये तो सिविल सर्वेंट है. क्योंकि GST से लेके सारी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स सबके बारे में आपको पता. डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है. देखो तुम लोग ये कंसेंसस नहीं बना पा रहे हो, कोई नहीं इकोनॉमी के टीचर बताएंगे. ठीक है, फिर लैंड रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, ये सब पढ़ेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ये भी इकोनॉमी का ही पार्ट है बेसिकली. भाई ये टोल क्यों बनाए थे हमने, क्या जरूरत आन पड़ी थी गवर्नमेंट को टोल वाले सड़कें बनाने की, अगर बनाए तो अब क्यों हटा रहे हैं, कब टोल खत्म होता है. एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन की क्या जरूरत है तो क्यों है, और प्राइवेटाइज करने से कुछ नुकसान है क्या. इंफ्रास्ट्रक्चर, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज. हेलो, हेलो, चलो. तो वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज विद टेक्नोलॉजी वेरी सून, वेरी वेरी सून. आज से 15 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, है ना, बहुत सारी चीजें नहीं थी, ये टेलीग्राम भी नहीं था. और अब यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड ऑल दोज थिंग्स. यू कैन नॉट इमेजिन, इवन नानीज, दादीज एंड दादाजीज एंड नानाजीज आर हुक्ड टू व्हाट्सएप एंड दे सेंड यू रैंडम व्हाट्सएप्स ऑन फैमिली ग्रुप्स. इवन दे कैन नॉट इमेजिन देयर लाइफ नाउ विदाउट दीज थिंग. नाउ विद AI एंड ChatGPT एंड ऑल दोज थिंग्स वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज, एंड इट इज गोइंग टू चेंज रियली फास्ट. What will be the impact on society? What will be the impact on governance? Are we the leading technology providers in the world? पहले जिसके पास आर्मी होती थी वो स्ट्रांग होता था, अब कौन स्ट्रांग है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है. ना तुमने बहुत बढ़िया मिलिट्री बनाई, तुमने खड़े किए बहुत सारे सैनिक, टैंक, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दूसरा कंट्री आया, उसने तुम्हारे सिस्टम हैक कर लिए, तुम्हारी फ्लाइट है ना ऐसे जानी थी, उसने कहा हाँ ऐसे नहीं ऐसे जाएंगे, अब सिस्टम ही हैक हो गया, कर लो, है ना. बहुत सारी आर्मी बनाई है आपने, उन्होंने कर दिया ड्रोन अटैक. मशीन से आदमी को कैसे लड़वाओगे, पिक्चर तो देखी होंगी साइफाई, बस 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 वैसे वाला टाइप का सब चीजें, उसकी इम्प्लीकेशन, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या इम्पैक्ट आएगा, AI से कैसे जॉब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, किस तरीके से कंट्री पे इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, पॉलिटी पे इम्पैक्ट होगा. इलेक्शंस भी रिग हो रहे हैं आजकल, हो रहे हैं ना, कैसे हो रहे हैं. अब अच्छा किसने किसने ऐसा सुना है कि अगर बहुत ही घटिया गाना भी हो लेकिन अगर वो दिन में 4 बार बज रहा है तो याद हो जाता है, सुना है, ऐसा देखा है, ऑब्जर्व किया है, ऐसा होता है ना. व्हाट इज दिस, अब दिन में 4 बार तुम व्हाट्सएप खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, एक ही चीज दिखेगी, तो कैसी भी हो तुम्हें क्या लगेगा, यही सही है. बेस्ट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग वर्किंग एवरीवेयर. Product is now not the key thing. Marketing has become the new thing. So what is this? Again, problem. इसको silent कर दो, है ना, सबको mute कर दो. So what is this? Problem. इसीलिए science and technology पढ़ना बहुत जरूरी है. Vaccines, COVID, corona, सब 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 इसमें आ जाता है, इस वाले portion में. Then disaster management.
एंड इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी. डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी का कोरोलरी एंड कंटिन्यूएशन है, वहां पे डिजास्टर पड़ेंगे यहाँ उसको कैसे ठीक करेंगे वो देखेंगे. एंड इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर चैलेंजेस क्या है, हमारे हमारी आर्मी तैयार है कि नहीं, व्हाट इज डबल फेस वॉर, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, व्हाट इज टेररिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दिस आर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, वी विल सी. तो इसके अंदर क्या क्या हो गया, पोर्शंस ज्यादा है इसीलिए अभी पूछ रही हूँ स्लाइड चेंज करने से पहले. इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, कितने हैं, छह. बताओ फिर क्या है, कौन कौन से हैं, सीक्वेंस नहीं बदलनी. इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, छह टॉपिक्स. पेपर थ्री समझ में आ गया, 250 नंबर बहुत पढ़ना है, 250 नंबर के लिए बहुत मेहनत है. पेपर थ्री सबसे गूढ़ गहन पर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्लोज टू योर लाइफ, मजा आएगा इसको पढ़ने में. देन लास्ट एंड द फोर्थ जीएस पेपर इज एथिक्स. एथिक्स क्यों इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी ने, अभी रिसेंटली किया, क्यों किया, ना ना ना, यूपीएससी को क्या पढ़िया अंडरस्टैंड करने की लोगों को, तुम्हें लग रहा है उसको पढ़ना, हाँ मॉरल ड्यूटीज, चलो और कुछ नहीं तो ये सही, सर्विस में एथिकल रहना, ठीक है, और वंस यू आर द पावर देन यू शुड बी एथिकल एट लीस्ट, ओके, एनीथिंग एल्स. देखो अगर इस बात को समझे तो दो तरीके के लोग होते हैं. महाभारत पढ़ी है किसी ने, नहीं पढ़ी, पढ़ी हल्की फुल्की, देखिए अक्सर लोगों ने देखी होती है. तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिन्हें पता ही नहीं होता क्या गलत है क्या सही है ना, बच्चों का सुने भूल चूक माफ, ऐसे कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है वो गया दादाजी को थप्पड़ लगा दिया, दादाजी ने कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, अरे बच्चा है कोई बात नहीं, इसको पता ही नहीं था क्या गलत है क्या सही है ना, बच्चा गया उसने कुछ गलत काम, पता ही नहीं क्या गलत है क्या सही है. अब जिसने जिसको पता नहीं क्या गलत है क्या सही है वो माफी मांग लेता है, अब मुझे तो पता ही नहीं था, इग्नोरेंस. लेकिन दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिन्हें पता होता है क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद भी म्यूट ऑल करके ना, सिर्फ मुझे अनम्यूट कर दो, उन्होंने ना सेटिंग्स में से चेंज किया था. तो दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिसका एग्जाम्पल महाभारत में आता है दुर्योधन के रूप में, वो कहते हैं कि मुझे पता है क्या गलत है क्या सही है लेकिन फिर भी मैं सही नहीं करना चाहता. अब ये जो दूसरे टाइप के लोग हैं उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, जो दूसरे टाइप के जिन्हें पता है क्या गलत है क्या सही है उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उनको तो लॉ ही बाद में टैकल करता है. लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए ये एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है. फर्स्ट कैटेगरी मतलब टू लेट यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हाउ यू कैन बी एथिकल, किस तरीके से एथिक्स इंपैक्ट करते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस को, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल देखो, एथिक्स में बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ नहीं आता, कोई आंसर बिना एग्जाम्पल के आपने लिखा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी है. एथिक्स में एक रादर सारे ही पेपर्स में, लेकिन एथिक्स में तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल के बिना आंसर लिखना पाप है, और जो ये पाप करेगा वो सेलेक्ट, बस सिंपल. एग्जाम्पल ज्यादा की एग्जाम्पल जो एथिक्स का, मैं पता नहीं क्या बता रही थी तुम्हारे एग्जाम्पल के चक्कर में मैं भूल गई,
चलो जो हमारा एथिक्स का पेपर है उसके लिए हमें जगह जगह पर एग्जाम्पल्स को यूज करना है। अगर हम इसका सिलेबस देखें तो इट स्टार्ट्स विथ एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है, मैं पढ़ाऊंगी वैसे। एथिक्स आई विल टीच, है ना, मोस्ट पार्ट ऑफ इट आई विल टीच। केस स्टडीज, हमारे यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हैं, जैसे सिक्योरिटी वाली होगी तो हम एक आईपीएस को बुला लेंगे, इकोनॉमी वाली होगी तो एक आईआरएस को बुला लेंगे, वही रियल टाइम जो जो लोग एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं उन चीज़ों पे, वो उसको देखें और बताएं। हम कोशिश ऐसे ही करेंगे, है ना, ताकि आपको रियल एग्जाम्पल्स मिल जाए। ह्यूमन वैल्यूज, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन, एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है किसी चीज़ को लेकर, एथिक्स को लेकर किस तरीके से आपका एटीट्यूड बनेगा, एप्टीट्यूड क्या है, फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होती हैं सिविल सर्विसेज की, कुछ वैल्यूज होती होंगी ना जो सिविल सर्वेंट्स के लिए कॉमन होती होंगी, वो कौन सी वैल्यूज हैं। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस सीख लिया 70% चांस है कि वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाए। अच्छा, आप में से कौन से लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे सभी इंटेलिजेंट है क्या मेरी क्लास में? अच्छा अच्छा चलो इसको इसको चेंज करते हैं। कौन कौन बहुत गुस्सा हो जाता है जब कभी मम्मी पापा कोई ऐसी बात कहते हैं कि यार बेटा ऐसा मत किया करो, हमने बड़े दुख पापड़ झेले हैं तुम्हें बड़ा करने के लिए, और ऐसा करने के लिए बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब नहीं, पहले होते थे, तो मतलब अभी तुम इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हो। सक्सेस मिलती है, एग्जाम निकलता है इंटेलिजेंस से, स्पेशली इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशंस को काबू में रखना, सही से चैनलाइज करना। एक आदमी बड़ा इमोशनल है यूपीएससी को लेके, इतना इमोशनल है कि बस यूपीएससी इज माय लाइफ, यूपीएससी इज माय वाइफ, यूपीएससी इज माय एवरीथिंग। अब वो इतना पैशनेट है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि जिस दिन वो प्रीलिम्स देने गया, आंखों के आगे अंधेरा, हाथ पैर कांप रहे हैं, पेपर में मार्क करते करते ओएमआर शीट गलत भर दी, रोल नंबर गलत भर दिया, क्या हुआ, माई वाइफ माई लाइफ सब खत्म, नहीं हुआ सिलेक्शन। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, जीवन के हर पड़ाव में जरूरी है। एक बार यहाँ सीखेंगे लाइफ भर काम आएगा, एग्जाम के लिए तो ऑफकोर्स काम आएगा ही आएगा। फिर मॉरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, जो महान लोग कह गए हैं कुछ एसेंस होगा उनकी बातों, है ना, वो क्या है एसेंस, किस तरीके से हम इसको देखेंगे। पब्लिक सर्विस वैल्यूज क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मॉरल गवर्नेंस, एथिकल इश्यूज क्या होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, गवर्नेंस के अंदर हमें किस किस तरीके से एथिक्स मेंटेन रखने हैं, क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से गवर्नमेंट ज्यादा एथिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर कर आती है, वी विल स्टडी ऑल दैट। आफ्टर दैट केस स्टडीज, केस स्टडीज आर रियल लाइफ सिनेरियोस। एक्स एग्जाम्पल के तौर पर, एक्स व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, एक्स का छोड़ो आप लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं ज्यादा फील आएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, आप अपने एक पोजीशन पे बैठे जहां आपको रिक्रूटमेंट करना है, जहां आपको नौकरी देनी है, रिक्रूटमेंट, बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं, आपके एक चाचा जी जिन्होंने आपकी पढ़ाई फंड करी थी, बड़े क्लोज, वो आते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारी पढ़ाई मैंने फंड करी थी, जीवन भर तुम्हारा मैंने साथ दिया, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि भाई को नौकरी लगवाओ, है ना, तुम्हारे ही हाथ में है, साइन भी तुम्हें करने हैं, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तो अब ये जो तुम्हारा भाई है इसको करो, मेरे सारे एहसान, तुम्हारे सारे एहसान उतर जाएंगे, बस इस भाई को नौकरी दे दो। तुम्हें भी पता है कि यार कर तो सकते हैं, एलिजिबिलिटी तो है भाई की, अब क्या करोगे। अच्छा, कौन कौन नौकरी दे देगा, समझ में आ रहा है डिलेमा, ये देखो कितना क्लोज भाई है, सगा भाई है, बोलो
भाई से फर्क नहीं पड़ता, सगा है कि कजन है कि दूर का है। यहाँ पे बात एथिक्स की हो रही है। तो ये जो डिलेमास हैं यही हम केस स्टडी में करेंगे कि अगर भाई को नौकरी नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए, क्या कारण है नहीं देने के, कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना। अब ये थोड़े ना तुमने कह दिया नहीं देंगे जी, हम तो एथिकल आदमी, इससे थोड़ा ना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट कि भाई नौकरी नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे। नंबर वन भैया रूल ऑफ लॉ, या फिर जो वहां पे आपने रूल्स बनाए हैं वो वायलेट होंगे। आप करोगे, आपने चाचा के बेटे को नौकरी दी, आपका मैनेजर आया, उसने कहा मेरी तो सगी बहन है सर, है ना, फिर सब मैनेजर भी आ गया, सर मेरी तो खुद की बेटी है सर, मेरा तो घर इसी से चलना है। आपने एक लगवाया, बाकी स्टाफ ने बागला। तो यानी जो नॉर्मल आदमी अप्लाई कर रहा है वो क्या, वो तो बेवकूफ बन गया। दूसरा आर्गुमेंट, अब घर के सारे लोग भर लिए तो प्रोफेशनलिज्म, कोई किसी का चाचा है, कोई मामा है, कोई ताऊ है, कंपनी की प्रोफेशनलिज्म तो खत्म। और उस व्यक्ति की क्या गलती है जिसने अप्लाई किया था जो बहुत गरीब था और ज्यादा काबिल था, लेकिन उसके पास कोई चाचा नहीं था। ये सब आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म में हम लिखेंगे। जब ये आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि क्या 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 कारण से हम, हमारा दिमाग कैसे चलता है, जब हम इन आर्ग्यूमेंट्स को लिखेंगे तो बनता है एक अच्छा एथिक्स का आंसर विद एग्जाम्पल्स जब लिखेंगे। तो इससे एग्जामिनर को क्या समझ में आता है कि ये व्यक्ति किस तरीके से सोचता है। ये तो सबको पता है, एग्जाम में कोई नहीं लिख कर आएगा कि मैं नौकरी दे दूंगा, दे या ना दे असलियत में, लेकिन एग्जाम में सबको पता है। एग्जाम के अंदर तो हर आदमी एकदम परफेक्ट आइडियल बातें करता है, लेकिन सोचने का तरीका इज द की, एग्जाम्पल इज दी की। उससे एग्जामिनर को आपके इंटरनल थॉट्स पता चलती हैं और वहां से मार्क्स किसी के 90 हो जाते हैं, किसी के 140 हो जाते हैं, बस इतना फर्क है। 140 में आर्ग्यूमेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, प्रॉपर पैशनेट तरीके से आपकी एक फीलिंग है, और यहाँ पर रटी रटाई बातें, सिंपल। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे 4 GS के पेपर खत्म हो गए। यार टाइम जब होता होना वाला होगा ना तो मुझे बता देना, मुझे पता नहीं चलता। ये हमारा वही जो मेंस के क्वालिफाइंग वाले हैं, इसका पढ़ लेना, इतना कुछ खास नहीं है। ये जब इसकी भी आपकी 3-4 क्लासेस हम लोग लगवाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा मेंस में सारे पेपर लिखे और अंत में इसमें फेल हो जाए, है ना। इसका तो इसकी भी एक बेसिक तैयारी, हफ्ते भर की तैयारी की जरूरत है। फिर है ऑप्शनल, ये सारे ऑप्शनल्स की लिस्ट है, कोई सा भी अच्छा ऑप्शनल आप ले सकते हैं। अपने बैकग्राउंड से एसोसिएटेड भी ले सकते हैं, अपने बैकग्राउंड से डिफरेंट भी ले सकते हैं, जो सा पसंद आए ले सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली फिलोसफी पढ़ाती हूँ तो ये मेरा है। बाकी जो आजकल पॉपुलर है, PSIR, साइकोलॉजी आजकल नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और एक एंथ्रोपोलॉजी, ये आजकल बड़े फेमस हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई रीजनल बैकग्राउंड्स हैं, कोई लैंग्वेज आपको आती है, तो लैंग्वेज इज ऑल्सो गुड चॉइस। भाई कोई बोडो है, कोई संथली है, या कुछ मैथिली आती है, तो दीज आर ऑल्सो अ गुड चॉइस इफ यू हैव कमांड ओवर दैट लैंग्वेज। फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, एक पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू, 275 मार्क्स, जिसके अंदर नंबर मिलते हैं, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाती है। तो टोटल एग्जाम कितने नंबर का हो गया, मेंस लिखने वाला और ये 270, कितना हो गया? सिंपल कहानी समझ में आ गई, कितना एग्जाम है, कितना किस किस समय पे क्या क्या करेंगे, क्लैरिटी आ गई? ओके ये है कि मेंस प्रीलिम्स वगैरह के अंदर हम
करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। क्लासेस ऑफ कोर्स आपकी 2 से 2.5 घंटे की होंगी, 3 घंटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी टॉपिक, डिपेंडिंग ऑन दी प्रैक्टिस दैट इज रिक्वायर्ड, है ना। एकदम से बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो बहुत तेज भागते हैं वो 100 मीटर तक भागते हैं, बर्नआउट नहीं करना है। ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज दी लेवल। आप अभी जिस भी लेवल पे हैं, स्लोली 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 हम आपका लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहले सिंपल सवाल पूछेंगे, थोड़े समय बाद थोड़े डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट, फिर एकदम डिफिकल्ट, क्योंकि अभी पहले दिन से डिफिकल्ट सवालों की तरफ हम भागेंगे तो घबरा जाएंगे। जैसे पहले दिन आपको सेंटेंस लिखने को बोलते तो नहीं लिख पाते ना, शुरुआत किससे करी, ए बी सी डी, फिर कैट बैट रैट, फिर कैट इज ऑन मैट, फिर अब पूरा सेंटेंस लिख लेते हो। वैसा ही हम पूरे कोर्स के साथ करेंगे, शुरुआत में ग्रेजुअली ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज द लेवल सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन इट। बेसिक्स छूटे नहीं। यूपीएससी की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आप बेसिक्स से नाता तोड़ोगे आपकी परफॉर्मेंस डिप कर जाएगी। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटीज नहीं पढ़ते, ये तो बेसिक्स है, लेट्स डू समथिंग हाई फाई, है ना। यूपीएससी इतना आसान थोड़ा ना पूछेगा, लेट्स डू समथिंग हाई फाई, और ये हाई फाई के चक्कर के अंदर बाय बाय। सिंपल, हमें बेसिक्स का साथ नहीं छोड़ना। इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से, डायरेक्ट उठ के इतनी किताबें पढ़ते हो तो एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ोगे, इतनी क्या मुश्किल है। खैर, हम लोग तो पूरा कोर्स डिजाइन करवा रहे हैं एनसीईआरटी का, एक एक एनसीईआरटी पढ़ाएंगे यहाँ पे आपको, रिकॉर्डेड भी देंगे, उसके नोट्स भी देंगे, सब करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी जरूर जरूर करनी है, वट एवर बी द केस। सिंपल। इसके बाद बात समझ में आ गई एग्जामिनेशन की, किसी को एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई डाउट? हाँ, ऑप्शनल के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले इंटरेस्ट, दूसरा कॉम्पिटेंसी। पहला इंटरेस्ट मतलब यार इंटरेस्ट होना चाहिए ऑप्शनल में, 500 नंबर है, बहुत पढ़ना पड़ेगा और डीप नॉलेज आएगी उससे, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू यू। ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ने में मन करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लो तो दुख नहीं होता, वैसे वाला। सेकंड कॉम्पिटेंस, मैथ्स से हमेशा से डर लगता था, आपने ले लिया मैथ्स गड़बड़, है ना, या फिर भाई पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी लगती है लेकिन यार ये डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी नहीं हो रहा, है ना, करंट अफेयर्स से अपडेट नहीं कर पा रहे, तो कॉम्पिटेंस भी देखनी पड़ेगी कि भाई मेरी कॉम्पिटेंस किस चीज़ में लाई करती है, उसके बाद आप अपना ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब इसमें बताओ ये स्लाइड कैसे ऐड होएगी, इसमें प्लेन स्लाइड, ये आवाज किसे आ रही है? आपने पार्टिसिपेंट्स को अपने आप से अनम्यूट करने के लिए अलाउ क्यों तो रखा था? ओ हमारे पास पता है यहाँ पे क्रोम भी है, कभी कभी हम गूगल पे डॉक्यूमेंट्रीज भी देखेंगे बीच बीच में, जब चोला पढ़ेंगे तो पहले चोला देखेंगे फिर चोला पढ़ेंगे, क्योंकि अब आर्किटेक्चर बिना देखे क्या पढ़ोगे यार, है ना, रटने का क्या वो है। तो उसी तरीके से जो जो चीज़ें हम डायग्राम्स या कुछ उस तरीके से देख सकते हैं, तो पहले उसकी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री 10 मिनट की देखेंगे फिर पढ़ेंगे। कोशिश ये करेंगे कि इट हैज टू बी अ thing which goes with you for long. Okay.
अच्छा रुको रुको रुको, हाँ अब कर, ओके। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम इज देयर। अच्छा एक लास्ट चीज, हम तैयारी कैसे करेंगे? वी विल स्टार्ट विद मेंस। मेंस व्हाई? बिकॉज इट इज लॉन्ग, लेंथी एंड यू हैव टू लर्न आंसर राइटिंग। पहले हम मेंस की तैयारी करेंगे। नवंबर के बाद से, लगभग नवंबर से दिसंबर के बाद से हम प्रिलिम्स को फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चे 2024 में प्रिलिम्स देना चाहते हैं वो आसानी से प्रिलिम्स दे सके। देखो ट्रुथ बी टोल्ड, यूपीएससी की तैयारी एक साल की तैयारी है नहीं, है ना? कम से कम 1.5 साल से 2 साल पढ़ना और प्रैक्टिस में लगते हैं। एक साल पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, देखो टीचर का सिलेबस तो कभी भी कंप्लीट हो जाता है ना? आज मैं तुम्हें सोसाइटी पढ़ा के कह दूं सिलेबस कंप्लीट हो गया सिलेबस, लेकिन ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट का मतलब है कि आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो। मैंने पढ़ाया लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी, उसको याद नहीं किया, आप पेपर में नहीं उतार पाए, तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। और मैं बिल्कुल ऐसे बच्चे नहीं चाहती, किसी कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट हो वो अपने आप समझ ले कि भाई हर हर जगह हर किसी के लिए नहीं होती, हर टीचर हर किसी के लिए नहीं होता, है ना? क्योंकि हम, मेरे को चाहिए सीरियस कैंडिडेट, एकदम मेहनत करने वाला बच्चा जो सिलेक्शन के लिए सीरियसली सीरियस हो। लिखना पड़ेगा, डेली लिखना पड़ेगा, डेली एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे और यहीं क्लास में बैठ के करने पड़ेंगे, है ना? मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती कि आप घर जाओगे और काम करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में बैठ के जो काम हो जाता है वो घर जाके नहीं होता। क्योंकि घर जाके क्या याद आता है? चाय पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं। तो जो कोशिश हम ये करेंगे कि यहाँ पे करें, घर पे भी डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है उस पर हम चर्चा करेंगे, कैसे अपना शेड्यूल बनाना है वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे मेंस से और फिर प्रीलिम्स, ठीक है? हमारा पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगी एथिक्स एंड सोसाइटी, और आज का हमारा पहला टॉपिक है सोसाइटी। सोसाइटी से आप क्या समझते हैं? सोसाइटी वर्ड तो पता ही है, हाँ वेरी गुड। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और एनीथिंग एल्स? दिमाग चलाओ, ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, एनीथिंग एल्स? डिफरेंट कल्चर्स इन डिफरेंट सोसाइटीज, ओके। तो सोसाइटी की बेसिक डेफिनेशन आती है दैट सोसाइटी इज द इंटरैक्शन अमंग द वेरियस मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप के कई सारे मेंबर्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उस ग्रुप को क्या कह देते हैं? सोसाइटी। इसकी डेफिनेशन जो NIOS के नोट्स के अंदर हमारे पास है वो मैं आपको लिखवाऊंगी। हाँ, मैं हमेशा क्लास नोट्स देती हूँ क्योंकि क्लास नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए नहीं कि आपको वो प्रिंटेड में नहीं दिए जा सकते, इसलिए कि मेंस एग्जामिनेशन प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं आता। कैसे आता है, कैसे लिखना पड़ता है? हाथ से, अभी भी पुराना ही सिस्टम चल रहा है, हाथ से लिखना पड़ता है ना? ज़्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश मत करना कि हम तो नोट्स टाइप करेंगे जी। अच्छी बात है आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, लेकिन हमें किस चीज़ से मतलब है सिलेक्शन के लिए? राइटिंग स्पीड, वो बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। आपकी माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन, उस पर काम करना ज़रूरी है ना? तो ये क्लास नोट्स नहीं लिखेंगे, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ये सब है फालतू बात।
जब तक आपकी स्पीड ठीक नहीं है, जब तक आपकी हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन सेट नहीं हुआ है। एक बार सेट हो जाएगा फिर हमें भी बहुत आसानी है, हम भी प्रिंटेड नोट्स लेके काम निपटाएंगे, क्योंकि हम भी तो पता है कितनी मेहनत लगती है यहाँ पे क्लास नोट्स देने में पहले। लेकिन वी यू हैव टू राइट, डोंट फील लाइक कि हम लिखेंगे नहीं। और जब भी मैं कहूँगी, मैं लिखवाऊंगी, मैं प्रॉपर डिक्टेट करवाऊंगी, डोंट वरी। मैं समझा रही हूँ, पहले समझ लो, उसके बाद हम प्रॉपर डिक्टेशन से लिखेंगे। ओके, सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर देयर इज इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब किसी भी तरीके का इंटरैक्शन। कैसा कैसा इंटरैक्शन हो सकता है बताओ? इकोनॉमिक हो सकता है, इकोनॉमिक इंटरैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन। आपने ऑटो वाले भैया को रोका, उन्होंने आपको छोड़ा, आपने उन्हें पैसे दिए, इंटरैक्शन। वादा हुआ था 100 रुपए देने का, आपने दिए 50, गलत इंटरैक्शन। वादा हुआ था 100 का, गलती से आपने दे दिया 500 का नोट, उन्होंने वापस भी नहीं किया, गलत इंटरैक्शन। किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर सही से सिस्टम्स को चलाना है तो इंटरैक्शंस कैसे होने चाहिए? एथिकल एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। एक दिन दुकान पे गए, 100 रुपए में 2 किलो आलू दे दिए, अगले दिन गए, उन्होंने कहा 100 रुपए में एक ही आलू मिलेगा, कोई सर्टिनिटी नहीं है अगर इंटरेक्शन में, तो सोसाइटी काम करेगी क्या? कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। तो इकोनॉमिक इंटरेक्शन हो सकता है, और कैसा इंटरेक्शन हो सकता है? ओके, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। आप अगर बातचीत करें तो डिसेंट तरीके से करेंगे, अगर कोई इनडिसेंट तरीके से आपसे बात करने लगे, यू विल बिकम ऑफेंडेड। एंड इफ एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग इन इनडिसेंट एंड अब्यूजिव वर्ड्स, देन सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन। अगर हर कोई ऐसे बात करने लगेगा तो केओस, इट विल लीड टू केओस। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट एल्स? और कैसे इंटरेक्शंस होते हैं? बिहेवियरल, मैंने भी आपके वाले बोल दिया, बिहेवियरल। बिहेवियरल मतलब आपने अपने बिहेवियर से किसी को हर्ट किया या इंस्पायर किया, वट एवर। दोनों तीनों टाइप से इंटरेक्शन हो सकता है। नेगेटिव इंटरेक्शन, आदमी गया वाइफ को मार दिया चाटा, नेगेटिव इंटरेक्शन। डोमेस्टिक वायलेंस, एक व्यक्ति गया, उसने उसकी वाइफ को नया प्रमोशन मिला था, ही सेलिब्रेटेड एंड ही मोटिवेटेड हर, पॉजिटिव इंटरेक्शन। बिहेवियर से शो किया, इट्स अगेन पार्ट ऑफ इट। व्हाट एल्स? पॉलिटिकल, कोई वोट मांगने आया, आप वोट करने गए, फिर आपने उनसे अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करी कि आपने बताइए है ना व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम यू आर गिविंग, रोड इज नॉट राइट, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट राइट, इंटरेक्शन, देयर इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन इन इट आल्सो। सो वी कैन हैव अ लॉट मेनी अदर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अपना अपने आप को इंडिविजुअल मान के देखो कि हम सोसाइटी से कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सोसाइटी मतलब बाकी लोगों से कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वही इंटरेक्शन सोशल रिलेशंस के नाम पे आ जाएगा। और इस ग्रुप को जहाँ पे सोशल रिलेशंस और इंटरेक्शंस होंगे, उस ग्रुप को क्या कह देंगे? सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, समझ में आ गया? एनी डाउट? ओके, नाउ लेट अस सी। Everything starts with an individual. Individual is part of a family. Many families become part of a community. And many communities then again become part of a state. अब district, state, nation ऐसे कर सकते हो, है ना nation state कर लो, India हो जाएगा। और ऑल द नेशन स्टेट्स कमिंग टुगेदर आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डज इंडिविजुअल इंपैक्ट फैमिली?
इट इम्पैक्ट्स फैमिली. अगर एक आदमी खराब हो जाए फैमिली में, पूरा माहौल खराब कर देता है फैमिली का, और एक आदमी ऑफिसर बन जाए फैमिली से, लगभग फैमिली सेट, सब खुश, एक इंडिविजुअल फैमिली पे इम्पैक्ट करता है. क्या फैमिली इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट करती है? करती है. कैसे? अब अपना भी दिमाग चलाओ. एग्जांपल्स तो मैं तुम्हें 100 दे दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोगों के अंदर वो एबिलिटी जनरेट हो सो दैट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स. ये जो है ना क्विक एबिलिटी ऑफ टॉपिक एग्जाम्पल एंड राइटिंग इन द आंसर, दैट हैज टू बी डेवलप्ड. रट्टा मार के कितना कर लो, मार्क्स मिलते हैं एकदम जेन्युइन ओरिजिनल एग्जाम्पल्स से. बताओ. No, no, just tell me how does family impact an individual? Okay. Okay, so a girl wants to go out for studies and if the family doesn't allow, impact on the individual. भाई पढ़ना चाहती थी ये लड़की या लड़का, नहीं जाने दिया फैमिली ने, है ना. फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन इंडिविजुअल की ग्रोथ या स्टैग्नेशन पे इफेक्ट डालेगी. उनके जितनी भी फैमिली की जितनी भी ओरिएंटेशन है, फैमिली बड़ी ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनलिस्ट है, इंडिविजुअल की सोच पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना. पापा ने बचपन से कहा था कि ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, कितना भी कर लो थोड़ा समय बाद लगने लगेगा, ऐसे नहीं करते, करें. अच्छा किसके जैसे कभी 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 बोला होगा, फैमिली वाले बोलते होंगे बिना नहाए धोए मंदिर, डेली पूजा तो करनी है. अब पहले उन्होंने खुद नहला के पूजा करवाई, फिर हम बड़े हो गए तो अब उन्हें अब हमें पर आदत पड़ गई. तो फैमिली इम्पैक्ट्स आर फैमिली इम्पैक्ट्स इंडिविजुअल. दादी ने नानी ने हमेशा से कोई घर में आया तो उसके बर्तन अलग रख दिए. कभी सुना है ऐसा? ऐसा सुना है, देखा है? नहीं देखा. धीरे धीरे आदत पड़ गई, फिर तुरंत हम भी एक दिन किसी दिन आप लोग उठे कोई आया अनकॉन्शियसली. समझ में आया? फैमिली इंपैक्ट्स इंडिविजुअल. फादर beats mother, children are watching. One day child is also very angry over something, he starts hitting his mother. Family impacts individual. Simple funda. So individual family ko impact karega, family individual ko impact karegi. Kya family community ko impact karti hai? Karti hai. Kaise? एग्जाम्पल, एकदम जंग लग गया है क्या दिमाग में? जंग लग गया है. हाँ, अरे वाह. व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? जयंती. वेरी गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल, परफेक्ट. आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड सडनली अ फैमिली कम्स, देयर they are always fighting, always fighting, children are beaten, husband wife fight and all that. So suddenly the environment of the whole society changes, hai na. Everybody starts talking, are unke ghar mein dekha kya ho raha hai, unke ghar se to aisi awaazein aa rahi thi, aisa ho raha tha. Agle din, are tumhe kya matlab hai, tum kyun sun rahi ho, wagaira, tumhe kya matlab hai, wo bhi ladne lage. Ek society, ek family se pura community wo ho gaya. सब जगह एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट चल रहा था. एक फैमिली आ गई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, उसने कहा हमारी भी सोसाइटी है, हम भी अपना वो लगाएंगे, पर्चे लगाएंगे, झगड़ा चालू. तो एक फैमिली से कम्युनिटी पे भी असर पड़ता है. एक नॉर्मल सी सोसाइटी थी, नॉर्मल सी सोसाइटी थी, सब मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे. एक बहुत ही रिच फैमिली आई सोसाइटी के अंदर,
उसने वहाँ पे रहना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी मर्सिडीज लगाई। अचानक से सोसाइटी में रहने वाले जितने लोग थे सबके दिल में क्या हुआ, गाड़ी तो मर्सिडीज ही होनी चाहिए, ये कोई ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट ये कोई गाड़ी है। अचानक से एस्पिरेशंस आ गई, इन्फ्लुएंस आ गया एक फैमिली से कम्युनिटी पे, वो लोग एकदम बढ़िया रबचिक बन गए, एकदम गॉगल्स वॉगल्स लगा के निकलते थे। तो बाकी लोगों ने कहा गॉगल तो हमारे पास भी रखा यार, सस्ता सही लेकिन हम भी लगाएंगे। अचानक से सबने लगाना स्टार्ट कर दिया चेंज, फैमिली इन्फ्लुएंसेस कम्युनिटी एंड कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस फैमिली। हाउ? एग्जाम्पल, यस यस, सो लॉट ऑफ पीपल ऑफ वन रिलीजन रिसाइडिंग इन वन प्लेस, फ्यू फैमिलीज ऑफ डिफरेंट रिलीजन, नाउ दे आर सडनली सेलिब्रेटिंग वन फेस्टिवल ऑफ देयर ओन। सपोजिटली मेजोरिटी इज हिंदू, स्मॉल माइनॉरिटी इस्लामिक पीपल एंड मुस्लिम पीपल आर डिसाइडिंग, नाउ एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग दिवाली, खूब हल्ला हो रहा है, खूब पटाखे बज रहे हैं, सो तो ये भी नहीं पा रहे है ना। फिर सबके यहाँ मिठाइयाँ जा रही हैं, तो एक आंटी आई जिनके अच्छे रिलेशन थे, उन्होंने मिठाई दी, उन्होंने कहा मिठाई तो अच्छी है यार, तो जब आप हमारे घर मिठाई लाए हो सेवैयाँ तुम भी ले जाओ। सम इम्पैक्ट, सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट इज देयर, देयर कैन बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, लाइक एक फैमिली दूसरे रिलीजन से आई, अब वो अपना रिलीजन सेलिब्रेट करना चाह रही है बट अदर पीपल आर नॉट अलाउइंग दैट, दे आर नॉट सपोर्टिव ऑफ दैट, देन देयर इज एन इम्पैक्ट। व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट? फीलिंग ऑफ नॉट बिलोंगिंग, फीलिंग ऑफ नॉट बिलोंगिंग। जैसे फैमिली में भी होता है ना, फैमिली में देखा चार बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, कोई ना कोई एक बड़ा भाई या बहन ऐसा जरूर होता है जिसकी सब बात मानी जाती है, और एक भाई जरूर है कि छोटा ऐसा होता है जिसको लगता है मेरी तो कोई नहीं सुनता है ना, कुछ भी हुआ है तो गलती मेरी है, जैसे होता है ना फैमिली में, कौन कौन छोटा भाई बहन है, महसूस हुआ है ऐसा कभी, यार कुछ भी है तो मेरी गलती है क्या? तो दिस फीलिंग ऑफ लाइक यार मेरे को तो नहीं करा आपने, तुमने तो बड़े भाई को तो कह दिया कि तुम जाओ बाइक भी ले जाओ, अब मैं कह रहा हूं तो मना कर दिया, फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन नॉट बिलोंगिंग वो आ जाती है, और वही चीज आगे चल के इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस फैमिली एंड फैमिली इन्फ्लुएंसेस कम्युनिटी। एक और एग्जाम्पल, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस फैमिली, कम्युनिटी के अंदर सारे लोग जितनी बहुएं हैं, एक एक सोसाइटी है ना, वहां पे जितनी बहुएं हैं सब पर्दा करके चलती हैं है ना, सब घूंघट करके चलती हैं। एक और शादी हुई उसी सोसाइटी में, उसी कम्युनिटी में, लड़की मॉडर्न थी, उसने कहा पल्ला वल्ला तो नहीं करेंगे हम है ना, अगले दिन वो जीन्स पहन के ऑफिस जाने लगी, तो उस फैमिली पे क्या असर पड़ेगा? अदर सोसाइटी पीपल विल स्टार्ट टॉन्टिंग हर मदर इन लॉ, बहू को कंट्रोल करना नहीं आता है? अभी से इतने पर दे दोगी तो उड़ जाएगी, ये सब कहानियां होती हैं। अब नाउ भाई मदर इन लॉ को सच में प्रॉब्लम नहीं थी कि लड़की कुछ भी पहने, लेकिन अब बातें सुन के लग रहा है सही बात है यार, जींस नहीं पहनने देनी, साड़ी तो बेटा पहननी पड़ेगी जितनी देर घर में हो, घूंघट भी करना पड़ेगा, लड़ाई। अच्छा भला फैमिली चल रहा था, कम्युनिटी आई, सास बहू को भिड़वा दिया, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस, लड़की की शादी सब 21 साल में कर रहे थे, एक आदमी ने कहा नहीं नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा, बाकी सब लोग आए, अभी नहीं करी शादी तो कुमारी रह जाएगी, प्रॉब्लम। समझ में आ गया? वेरी क्लियर?
how community influences family and how family influences community. Family influences community का एक और example. एक आदमी ने कहा कि नहीं, मैं तो लड़की को पढ़ने भेजूंगा. वो लड़की बन गई IAS कलेक्टर बन गई. अगले दिन से मिश्रा जी, गुप्ता जी, अहमद जी, है ना, कौशिक जी, सबको अकल आ गई जो अपनी बेटियों को नहीं भेज रहे थे. सबने कहा अरे जब उनकी बेटी बन सकती है तो हमारी क्यों नहीं. अगले दिन से उन्होंने भी भेजना चालू कर दिया. तू भी घर पे नहीं रहेगी, हॉस्टल निकल, बनकर आई हो बाहर से. फैमिली इन्फ्लुएंसेस कम्युनिटी. क्लियर? ओके. डज कम्युनिटी इन्फ्लुएंस नेशन स्टेट? एग्जाम्पल, ओके, वो इसमें आएगा. नेशन इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिटी लाइक ऑल दी एफर्मेटिव एक्शन लाइक SC ST प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑल दीज. एक कम्युनिटी नेशन स्टेट को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे इंपैक्ट करती है? राहुल, अगर कोई ऑनलाइन बच्चों का डाउट हो तो मुझे बता देना, है ना, बिकॉज आई वुड लाइक टू टेक एनी डाउट्स इफ दे हैव. एफर्मेटिव एक्शन, वी विल सी एफर्मेटिव एक्शन हम बहुत डिटेल में करेंगे. अच्छा, किस किस को लगता है रिजर्वेशन गलत है? अरे बहुत मजा आएगा, रिजर्वेशन तो भी पढ़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को. उसके बाद यू विल नेवर बी द सेम. हाँ, और किस किस को लगता है कि रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड. और हाथ रेज करो. हाँ हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट क्लास. हाँ हाँ, वेरी गुड. और किसको लगता है कि बहुत सालों से रिजर्वेशन दे रहे हैं, अब तो हो गया ना, अमीरों को ही जा रही है? रेज योर हैंड. हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट. चलो ठीक है, करेंगे इस पे चर्चा करेंगे. आने दो, अभी कास्ट पढ़ेंगे, पहले कास्ट ही पढ़ेंगे. हाँ गौरव, कौन कौन है? माही, गुड मॉर्निंग. हाँ हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल अभी उसके ऊपर कास्ट पढ़ेंगे, फिर हम रिजर्वेशन के ऊपर बहुत बढ़िया से बात करेंगे. चिंता मत करो, गलत सही उसके बाद पूछेंगे. जिस जिसको गलत लगता है ना, कमेंट्स में डाल दो, क्योंकि अरे सेव होते हैं कमेंट्स, ये नहीं होते. ओ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में इन्हें दिखाएंगे. हाँ अगला, मनीषा जोशी. मनीषा, अनम्यूट योरसेल्फ. गौरव, मैम कैन आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन विद यू? नॉट इन द क्लास. ओके फाइन. मनीषा, यस, गुड मॉर्निंग. यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मनीषा. सोसाइटी से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो, बाकी सारे डाउट्स वी विल केटर डिफरेंट इन ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म. ओके फाइन. तो कम्युनिटी नेशन स्टेट को कैसे इंपैक्ट करती है? नहीं, वो तो फैमिली और कम्युनिटी का हो गया, लेकिन कम्युनिटी कैसे नेशन स्टेट को करती है? देखो कम्युनिटी का बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं. रीजनल कम्युनिटी हो सकती है, रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो सकती है, बहुत सारे टाइप की कम्युनिटीज हो सकती है ना, अलग अलग देखते हैं. रीजनल कम्युनिटी, कुछ रीजन्स के लोगों को लगा कि भाई भारत देश जो है
वो हमारी बात नहीं सुन रहा, हमें क्या करना चाहिए, अलग झंडा उठाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट ऑन नेशन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्टेट के साथ, उन्होंने का प्रोटेस्ट चालू हो गए, ऐसे नहीं ऐसे करेगी सरकार, ऐसे नहीं ऐसे करेगी सरकार। प्रॉब्लम, अब स्टेट को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ रही है या किसी तरीके से कुछ कुछ नया डिफरेंट करना पड़ रहा है। इम्पैक्ट किया कम्युनिटी ने स्टेट को, एक कम्युनिटी में कुछ गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं, सपोजिटली चाइल्ड मैरिज, ह्यूमन सैक्रिफाइस, पूरे देश पे असर आएगा। एक कम्युनिटी कर रही है लेकिन असर देश पे आ रहा है, क्योंकि लोग देश का भी तो पार्ट है ना। अब जिन बच्चियों को छोटी उम्र में शादी कर दी, अगर वो मर रही हैं, तो प्रॉब्लम देश की भी है, इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम, असर आ रहा है देश पे। छवि किसकी खराब हुई, बीबीसी आया, बीबीसी चैनल, उसने रिपोर्ट किया इंडिया में इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में 6 साल की बच्ची की शादी कर दी गई 50 साल के आदमी के साथ। इमेज ऑफ इंडिया गॉट इम्पैक्टेड, 1 पर्सन 1 फैमिली 1 कम्युनिटी, बट इमेज ऑफ इंडिया गॉट इम्पैक्टेड। समझ आई, एक नेशन स्टेट कैसे एक कम्युनिटी पे इम्पैक्ट डालता है। नेशनल लॉज सब पे लागू होते हैं, जो नेशन ने लॉज बना दिए उन्होंने कहा कोई किसी को जान से नहीं मारेगा, तो सब पे एप्लीकेबल है। तो कहीं पर मारधार चलती भी हो तो अब लॉ आने के कारण रुक गई, कहीं पे लॉ ले आया स्टेट चाइल्ड मैरिजेस आर प्रोहिबिटेड, स्लोली एंड स्टेडली देर इज अ रिडक्शन इन इंस्टांसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, सती वॉज प्रैक्टिस्ड, लॉ आ गया, इंस्टांसेस ऑफ सती डिक्रीज्ड, देर इज अ इफेक्ट। ओके, हाउ डज नेशन स्टेट इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑन नेशन स्टेट, हाउ डज नेशन स्टेट इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड। Lot many things, yes. Nation state first, Afghanistan becoming a failed state, impact on everybody, सब डरे डरे फिर रहे हैं, कोई कोई गलत बुक्स में नहीं आना चाह रहा, क्योंकि जो गलत बुक्स में आया भेज दो, 100 तालिबानियों को भेज दो वहीं पे ही। इकोनॉमिक क्राइसिस, बैंक्स फेल्ड एनीवेयर, इंपैक्टिंग इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। व्हाट एल्स, ड्यूरिंग वॉर यूक्रेन रशिया वॉर इंपैक्टिंग इंडिया, प्राइसेस ऑयल प्राइसेस, डिमांड ऑफ different items, different relations between the countries, yes. अब आप किसको support करो किसको ना करो, अरे perfect, समझ में आ रहा है basically कि nation state world के साथ कैसे impact करता है और world कैसे nation state को impact करता है। UN, UN बना, WHO बना, corona आया, WHO ने बताया ना पैंडेमिक हो गया है, ये दवाइयां इस तरीके से चलाओ, ये वैक्सीन इस तरीके से करो, ये शेड्यूल फॉलो करो, इम्पैक्ट एवरी कंट्री स्टार्टेड फॉलोइंग इट। वर्ल्ड में साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, एवरीबडी इज अफेक्टेड, ऑल कंट्रीज, इंडिया इज ऑल्सो अफेक्टेड। ऑर्गेनाइज क्राइम वर्ल्ड ओवर, एवरी कंट्री अफेक्टेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, everything. So when we say everything is connected, it means something like this. Now individual is affecting community, nation and world. So if you think that you cannot make a change in world, how many of you think that you are insignificant and you cannot change the world?
अब इसको सुनने के बाद लग रहा है ना, यू कैन इवन इफ यू आर एन इंडिविजुअल यू होल्ड द वर्थ ऑफ चेंजिंग अ लिटिल बिट, मे बी अ वेरी मिनिस्क्यूल साइज, बट चेंजिंग द वर्ल्ड फॉर बेटर. अगर आपको ये समझ में आता है तो अगर हम सोसाइटी की बात करें, इंडिविजुअल कैन नॉट मेक अ सोसाइटी बिकॉज इट्स अ इंटरैक्शन. यहां से हमारी सोसाइटी स्टार्ट और खत्म होती है. वर्ल्ड इज अ सोसाइटी, वर्ल्ड सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी, नेशन इज अ सोसाइटी. सोसाइटी में अगर हम देखें इन सिंपल टर्म्स, अच्छा अगर हम सोसाइटी में देखें तो किन चीजों की एसेंशियलिटी जरूरी है. पहला है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब लोग होने जरूरी है. एक आदमी तो सोसाइटी बना ही नहीं सकता क्योंकि वो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है. तो एसेंशियल फीचर ऑफ अ सोसाइटी इज पॉपुलेशन. सेकेंड टेरिटरी. टेरिटरी टेरिटरी मतलब जगह, घर हो, एक सोसाइटी हो या एक नेशन स्टेट हो, एक डिस्ट्रिक्ट हो, कोई जगह होनी चाहिए. लेकिन अभी डाइल्यूट हो रहा है, अभी मैं बताऊंगी कैसे. और क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए. म्यूचुअल अवेयरनेस मतलब एक दूसरे को कुछ जानना. जिसको जानते ही नहीं उसके साथ क्या इंटरेक्शन करोगे. कुछ कॉमन होना चाहिए, कुछ कॉमन, सम काइंड ऑफ अ कॉमन कल्चर. हम गुजराती हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं, हम दिल्ली वाले हैं, हम पंजाबी हैं, है ना, हम इंडियन हैं. क्या है ये, कुछ आइडेंटिटी है, कुछ कॉमन है, कॉमन कल्चर. एंड लास्ट सम काइंड ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी. हम लोग, तुम लोग, बाकी सब अलग. तो कभी भी हम सोसाइटी के विषय में सोचेंगे, दीज आर द एसेंशियल क्राइटेरियाज. एक पॉपुलेशन होगी, कोई सी भी कम्युनिटी सोचो, रीजनल, रीजन, लिंग्विस्टिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एक पॉपुलेशन होगी, एक टेरिटरी होगी, कहीं रहते होंगे वो लोग, और म्यूचुअल अवेयरनेस, एक दूसरे को इंटरेक्शन करते होंगे. क्योंकि जब तक एक दूसरे के बारे में ही नहीं पता तो इंटरेक्शन हो भी नहीं सकता. चाहे ऑटो वाला ही है, पता है ना वो ऑटो वाला है, आपने हाथ देके रोका, आपको पता है वो आपको वहां ले जाएगा. म्यूचुअल अवेयरनेस, यू आर अवेयर व्हाट दिस पर्सन डू. देन कॉमन कल्चर, आप भी हिंदी बोल रहे हो, वो भी हिंदी बोल रहा है, वो आप भी पैसा यूज कर रहे हो, वो आपको डॉलर नहीं वापस दे रहा, वो भी पैसा ही. सम कॉमन कल्चर एंड द सेंस ऑफ यूनिटी कि हम लोग, है ना. अचानक से नहीं होता, जैसे दिल्ली आए आप लोग अपने अपने घरों से उठ के राजेंद्र नगर में, तो अचानक से ग्रुप से बन जाते हैं. किस किस के बन गए कि हम लोग तो महाराष्ट्रियन है, लेट अस ईट वड़ा पाव. या हम लोग तो, अरे बंगाली लोग हैं हम लोग तो, हमारा एक छोटा सा अलग ग्रुप है, हम लोग इकट्ठे शाम को मिलते हैं, इकट्ठे चाय पीते हैं, ऐसा हो जाता है. किस किस के बन गए. यू शुड नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर एंड अ टीचर, एंड आई एम बोथ, है ना, आई एम बोथ. तो इसीलिए खुल के, जब तक तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा क्लास के अंदर. बनते हैं, अचानक से आपको लगेगा अरे नहीं हम लड़के लड़के जाएंगे, लड़कियों का कोई काम नहीं है. अगेन ग्रुप लड़के लड़के, है ना, ऐसा ये सब सोसाइटी का पार्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है. वो अचानक से लड़कों की सोसाइटी बन गई. तो सोसाइटी की डेफिनेशन बड़ी वेग है, कहीं पर भी फिट हो जाती है. लेकिन अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो हम उसको
आंसर लिख सकते हैं, किसी भी सोसाइटी के बारे में बात हो, ये तो होगा ही होगा, है ना। लिंग्विस्टिक सोसाइटी पे क्वेश्चन आया, ये तो है ही। रिलीजियस सोसाइटी पे आया, ये तो है ही। तो ये बेसिक्स हैं हमारे जो हर जगह अप्लाई होंगे। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ टेरिटरी, ये जो टेरिटरी है ना, ये धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है। अब टेरिटोरियल बाउंड्रीज आर नो लॉन्गर बैरियर्स। व्हाई दे आर नॉट बैरियर्स? टेक्नोलॉजी। कौन कौन वीडियो गेम खेलता है? तो किसके कौन से रशियन, चाइनीज, ताइवानीज, यूक्रेनियन फ्रेंड बन गए थे? बन जाते हैं ना वीडियो गेम्स खेलते हैं, कम्युनिटीज बनाते हो आप लोग। व्हाट इज दिस? बाकी सब तो पॉपुलेशन तो है, फेसबुक फ्रेंड है ना, लिंक्डइन फ्रेंड, वो रशियन है आदमी लेकिन फिर भी लिंक्डइन फ्रेंड है। सेंस ऑफ यूनिटी, हम दोनों लिंक्डइन वाले हैं। कॉमन कल्चर, दोनों लिंक्डइन यूज करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, है ना। म्यूचुअल अवेयरनेस, आपको भी पता है उसका नाम क्या, कोजोकोविस, उसको भी आपका नाम पता है, राहुल। समझ में आ रहा है? सेम। इंटरनेट ने टेरिटोरी को कर दिया डाइल्यूट। अब टेरिटरी डाइल्यूट हो गई तो सोसाइटी के बॉर्डर्स बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। यूएस में एक रेवोल्यूशन चला, यूएस में एक मूवमेंट चला, मी टू मूवमेंट, इंडिया में आ गया, है ना। इंडिया में चिपको मूवमेंट चला था पुराना, कुछ पॉपुलर हुआ, 2000 लोग फॉरेन कंट्रीज में भी पेड़ों से चिपक गए, उनको प्रोटेक्ट कर लिए। इंपैक्टिंग ईच अदर, एग्जाम्पल ऑफ हाउ सोसाइटी मेक्स एन इम्पैक्ट। यानी कि टेरिटरी इज नो लॉन्गर अ बैरियर, इट इज गेटिंग डाइल्यूटेड विद ईच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मोर एंड मोर वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, देर इज अ श्रिंकेज ऑफ स्पेस अमंग कम्युनिटीज। कितने सारे लोग आजकल इन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स और इन सबसे ज्यादा अटैच्ड हैं देन देयर रियल फ्रेंड्स, है ना। ऐसा दे आर मोर अटैच्ड, दे आर मोर व्हाट डू यू से इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भाई से तो पता नहीं चार दिन से बात नहीं हुई, लेकिन वो व्हाट्सएप वाले दोस्त से, इंस्टाग्राम वाले दोस्त से डेली बात हो रही है, उससे तो पोस्ट भी शेयर हो रहे हैं। फर्क आ रहा है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन रिलेशंस, रिलेशंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। चोट लग गई, इंस्टाग्राम में वाले मैसेज, फोन किया और इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड को कहा, मेरे यार पैर में चोट लग गई, आ जा खाना खिला दे, बाहर ले चल या खाना ला दे मुझे। 10 को करा, एक भी नहीं आया। प्रॉब्लम, 100 दोस्त थे फेसबुक पे, एक दिन बड़ा परेशान हो रहे थे, डिप्रेशन हो रहा था, किसी से बात करने का मन था, 100 में से 100 में किसी ने बात नहीं करी। फिर वही पुराना घिसा पिटा फ्रेंड आया जिसको इग्नोर कर रहे थे, फिर उससे बैठ के बात करी। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कैन यू गेट अ फील ऑफ इट? समझ में आ रही है धीरे धीरे बात, कि सोसाइटी से जब हम आंसर्स लिखने की तरफ बढ़ेंगे तो सोसाइटी को कैसे इंटरप्रेट करना है, किस टाइप के एग्जाम्पल्स देने हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑब्जर्वेशन से निकले हैं, और ऐसे ही एग्जाम्पल्स लिख के बढ़िया मार्क्स मिलते हैं। रटे रटाए नोट्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सब लिखते हैं, और 5 कॉपी के बाद एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये भाई साहब एक्स नोट्स पढ़कर आए थे, या ये बहन जी एक्स नोट्स पढ़कर आई हैं, तो वो उस एग्जाम्पल को वैल्यू ही नहीं देते। ऑब्जर्वेशन नहीं है ना, ऑब्जर्वेशन वाले लोग चाहिए। क्लियर? ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसके बाद सोसाइटी की बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो हमने अभी क्या देखा, फर्स्ट व्हाट इज सोसाइटी,
Can you tell me what is society? Who will tell me? बताओ बताओ. अरे तुम नहीं, तुम व्हाइट शर्ट. इंटरव्यू की तैयारी है ये. क्लास में खड़े हो, बोलो. दो बार अटकोगे, चार बार ठीक हो जाएगा. सोसाइटी इज अ इंटरैक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. क्लियर? ओके. व्हाट इज सोसाइटी? दूसरा हमने क्या देखा? यस, व्हाट डज सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट? और क्या देखा? इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी. इम्पैक्ट हम डिटेल में करेंगे. ये तो हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल सोसाइटी और इन सब का रिलेशन एस्टैब्लिश किया है बस. हाँ, कोई खास अंतर नहीं. इंटरचेंजेबली यूज, इंटरचेंजेबली यूज. चौथी चीज जो हम देख रहे हैं, व्हाई, व्हाई सोसाइटी? क्यों जरूरत पड़ी सोसाइटी की? एनी आइडियाज? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. ओके. To build a positive atmosphere. Togetherness तो happy anniversary पे बोलते हैं. Wish you a lifetime of togetherness. चलो ठीक है. देखो सोसाइटी क्यों बनी, इसके लिए एक थ्योरी आती है जिसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. पहले सब अकेले अकेले थे, बट नॉट एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग. सोचो अगर आपको खुद बीज बोना हो, पानी देना हो, गेहूं उगाना हो, आटा पीसना हो और सब्जियां भी उगानी हो, फिर मसाले भी उगाने हो, घी भी खुद ही बनाना हो, चूल्हे के लिए लकड़ी भी खुद ही लानी हो, और मतलब एक्स और कपड़े के लिए कपड़ा भी तो पहनेंगे ना, कॉटन, कॉटन भी खुद ही उगानी हो, फिर उसको कातना भी हो, फिर उसको डाई भी करना हो, कर पाएगा कोई एक आदमी? क्या हमारी सब लोग प्रोग्रेस कर पाते? सोसाइटी इज नीडेड फॉर डिविजन ऑफ लेबर, सो दैट सम पीपल डू सम थिंग्स. पीपल हु आर गुड एट कारपेंट्री मेक दीज टेबल, सो वी बॉट देम. है ना, देर आर पीपल हु आर गुड एट मेकिंग दीज स्मार्ट टीवी एंड बोर्ड्स, वी बॉट इट. हम थोड़े ना बना सकते थे ये, नहीं बना सकते थे. सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस. वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी पीपल फॉर आर लाइफ. वी बॉट दिस क्लोथ्स, वी बॉट दिस वाटर, सो मेनी थिंग्स वी बॉट, एंड दीज आर द पीपल हु आर मेकिंग दीज थिंग्स. वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग इन द सोसाइटी, एंड दिस इज हाउ एवरीबडी एंड एवरीथिंग इज वर्किंग. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ लेबर. सेकेंड, रूल्स एंड रेगुलेशंस. सपोजिटली कोई रूल्स नहीं है सड़क पे चलने के, क्या होगा? एक्सीडेंट्स. तो किसी भी ग्रुप को काम करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है. एग्जाम्पल, पांच लोग बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 15 लोग बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 150 लोग बैठे हैं, स्टार्ट. अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई चीख रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई गाने सुन रहा है, क्योस हो जाएगा. रूल बनाना पड़ेगा कि क्लास में कोई गाने नहीं सुनेगा, और यहाँ पर जब आप क्लास में हैं तो एक ही आदमी मोगैम्बो है, और वो कौन है? मैं. हाँ, मतलब मेरी जगह और कोई टीचर होगा तो वो. तो कुछ रूल्स सेट होंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क करेंगी तो सिस्टमैटिक रहेगी, और रूल्स चले गए तो केओस. तो अगर हम सोसाइटी के बारे में बात करें तो पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. मैं बताऊंगी ये क्या है. सेकंड,
डिविजन ऑफ लेबर, थर्ड क्या बात करी अभी हमने, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बी अटेंटिव इन क्लास, डोंट गो इन स्लीप मोड, और किस लिए जरूरी है क्लास, ये हमारी सोसाइटी, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एवरीबडी, आज मैं पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मुझे कपड़े नहीं बुनने, मैं खरीद सकती हूँ, मैं आज पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मुझे टेबल नहीं बनानी, आई कैन प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन आई वॉन्ट टू, यू पीपल कैन एस्पायर टू बिकम सिविल सर्वेंट, यू कैन स्पेयर योर टाइम टू कम इन क्लास एंड स्टडी, क्योंकि आपको पानी लेने नहीं जाना, खेत नहीं जोतने, अभी आपको बना बनाया आटा मिल जाता है. The two queries, okay, yes. Manisha, please unmute yourself. Yes, ma'am. Please ask. एक दो करे ना, कृतज्ञ शर्मा, कृतज्ञ, यस मैम, माय क्वेश्चन, आई हैव टू क्वेरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इज द अफर्मेटिव एक्शन, व्हिच इज द अफर्मेटिव एक्शन बीइंग इंप्लीमेंटेड ऑन सोशल स्केल, लाइक देयर आर पीपल हु आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ द रेजोल्यूशन, राइट, सो देयर आर पीपल हु आर बीइंग बेनिफिटेड इन सच अ मैनर एज टू बिकम सिटिजंस इन सेल्फ. Okay. And when I hear the arguments from people, fact being resented for giving reservation examination for entrances is that the people of the lower social classes do not get sufficient amount of preparation or sufficient amount of resources for preparation. However, if my dad is an IAS, I definitely doubt that was the case. And I'm not saying that. It's fine. Kritike, don't worry. We haven't even started caste. Let us first understand caste. I want to have another question. I had a multi-level institution. The fact was very simple. The Russian Imperium war, actually, we're talking about it. The Russian Imperium war, it is a time, like Russia's invasion of Ukraine, is it a just cause? But we, for our political and, you know, our okay, don't worry. I got it. I got your ethical concern. So I'll tell you, this is the part of ethics in international relation. We will deal with this question. Whether it is right for India to have a kind of opinion it is having, should India talk against war with the ethos we have and we carry, or should we have some idea of real politics? This is a deep topic where you need to have the idea of real politic means when every nation is after self-interest. So definitely we will do that in ethical in ethics, the international part of ethics. And Russia is giving to us, and then there is no limit to the European countries, and then we are saving. Don't worry. Kritike, you are getting emotional about the issues. You are getting emotional. I'll tell you. Being passionate about a topic is good. But only if our passions could be transmitted to the copy. Agar wo electrodes laga ke selection ho jata, best tha. We are the best well-intentioned person. But when you are preparing for civil services, one thing is very certain, howsoever strong belief you are having, you must have very strong arguments to back it up. Aapke arguments hi aapko jitwate hain paper mein.
तो आपके प्रोज एंड कॉन्स के जो आर्ग्यूमेंट है वी विल डिस्कस, डोंट वरी कृतज्ञ, डोंट वरी, वी विल डू दैट वंस वी कम टू दैट टॉपिक. इफ वी जंप ऑन टू सम थिंग्स देन वी विल नॉट बी एबल टू हैव अ क्लियर पिक्चर. वेन एवर वी आर स्टडिंग समथिंग वन टॉपिक वी शुड हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर एंड दैट पिक्चर हैज टू बी इन द टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड ओवरऑल आइडिया. तो अभी हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी का आइडिया के बीच में हम यूक्रेन रशिया को नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि वो हमारा माइंड मैप, दिमाग कैसे काम करता है. एक क्लास करेंगे हम लोग हाउ टू लर्न इफेक्टिवली, हाउ टू रीड इफेक्टिवली पे भी क्लास करेंगे, ये सब करेंगे. इफ यू स्टार्ट लर्निंग बिफोर यू नो हाउ टू लर्न प्रॉब्लम, पहले तो ये सीखना पड़ेगा ना दिमाग काम कैसे करता है. आर माइंड हैज थ्री टाइप्स ऑफ मेमरीज, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म, एंड अनदर स्मॉल मेमरी, इमीडिएट मेमरी. अभी मैंने आपको चार वर्ड बताए, आपने तुरंत उगल दिए, इमीडिएट मेमरी. सो हाउ डज मेमरी वर्क, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर स्टडिंग अ टॉपिक ऑलवेज स्टिक अराउंड इट, बिकॉज दैट टाइम योर न्यूरॉन्स आर गेटिंग फॉर्म्ड. अभी हमने क्लास में पढ़ा, घर जाते जाते तक कितना रह जाएगा, 80%. आज जाके रिवाइज नहीं करा तो कितना रह जाएगा, बहुत कम. अगले महीने और कम. इसीलिए अभी जब हम आपका शेड्यूल बना रहे थे तो हमने ये कोशिश करी कि हर कुछ क्लासेस के बाद एक रिवीजन का मॉड्यूल रहे, जिसमें आपके रिवीजन टेस्ट होता रहे, आपको रिवाइज करते रहना पड़े. सेल्फ स्टडी का टाइम भी जरूरी है, एक दिन दिया जाए सेल्फ स्टडी के लिए, पढ़कर आओ, जो अभी तक पढ़ लिया उसको करके देखो हो रहा है नहीं हो रहा. इट हैज टू बी साइंटिफिकली डन. सो व्हेन वी आर स्टडिंग सोसाइटी, स्टिक ऑन टू दी सोसाइटी, क्योंकि अपना उसी का माइंड मैप बनाएंगे हम लोग. ओके, ठीक है. रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. अब ये सारी चीजें करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, डिवाइड कौन करेगा, कोई तो बॉस होना चाहिए ना, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो कहेगा तुम कारपेंटर का काम करोगे, तुम गेहूं उगाओगे, तुम ये करोगे. कोई तो डिवाइड करेगा लेबर को, तो एक अथॉरिटी चाहिए. रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, उसके लिए भी देयर शुड बी सम अथॉरिटी. ये कंडीशंस कौन क्रिएट करेगा, सम अथॉरिटी. सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे कम टुगेदर एंड दे से कि हमसे थोड़ी थोड़ी हमारी फ्रीडम ले लो, लेकिन सिस्टम को अरेंज कर दो. तो उन्होंने क्या कहा, एक लीडर चुन लिया, क्लास मॉनिटर. अब अगर क्लास संभलने में नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, एक आदमी को मॉनिटर बना देंगे कि भाई तुम कल से मॉनिटर हो, है ना. क्लास में कोई बदमाशी करेगा तो तुम मुझे बता देना, वन पर्सन मॉनिटर. सो व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दिस इज द अथॉरिटी और द स्टेट, हम अपनी थोड़े से राइट्स छोड़ते हैं और इसके बदले में हमें क्या चाहिए, सिस्टम, ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशन से बंधा हुआ एक ऑर्डर वाला सोसाइटी चाहिए, जहां पे केओस नहीं हो, कोई किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा नहीं चाहिए. एक आदमी चाहिए जो कहेगा सीधी रोड से ही जाओगे, रेड लाइट पे रुकोगे, अगर सब रेड लाइट पे रुक रहे हैं तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, कोई कहीं भी जा रहा है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, तो उनको बचाने के लिए ये जरूरी है. और इस थ्योरी को क्या कह दिया गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन सिंपल टर्म्स, ठीक है. रोजियो एक फिलोसोफर है, एक थिंकर है, उसने दिया है ये, एथिक्स में पढ़ेंगे, एथिक्स में आता है ये छोटा सा पोर्शन. तो उन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या उसके बारे में बताया. तो सोसाइटी क्यों आई, इन सब कारणों से हमारे पास सोसाइटी आई. इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि अगर हम सोसाइटी को ट्रेस करें उसका एवोल्यूशन, फोर्थ, फिफ्थ,
ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी हिस्टोरिकली चेंज हो रही है. एंशियंट टाइम्स में एक अलग टाइप की सोसाइटी थी, ऋग्वेदिक काल, वैदिक जिसे कह लेते हैं. उसके बाद मिडीवल में अलग, ब्रिटिश अंडर ब्रिटिश डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी वॉज देयर. द मोमेंट वी बिकेम इंडिपेंडेंट देन पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड सोसाइटी टूडे और नाउ देयर मस्ट बी समथिंग्स जो आज की सोसाइटी की रियलिटी होगी और कुछ एक फ्यूचर की सोसाइटी की रियलिटी होगी जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हल्का फुल्का आज की स्थिति को देख के. तो उसका अगर हम एवोल्यूशन समझ में आ जाए तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम डील कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा हमें अंदाजा लग पाएगा. क्वेश्चंस खोलो, अपने डॉक्यूमेंट्स खोलो. इसमें कहाँ है क्वेश्चंस? उसी में लग जाते हैं पीपीटी. पेपर वन जीएस वन क्वेश्चंस मिल गए. अच्छा, आपको क्वेश्चन वाला प्रिंट आउट नहीं मिला है, सिलेबस वाला दिखाओ. ओके, मैं अभी दिखाती हूँ आपको क्वेश्चंस. ये सब तो देखो हिस्ट्री है. क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं सोसाइटी में ताकि हम लोग समझ सकें कि हम जो पढ़ेंगे पढ़ रहे हैं क्या वो इन लाइन विद दी सिलेबस है कि नहीं है. एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन द फैमिली. जब हम सोसाइटी नाउ पे आएंगे तो वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात होगी, उसका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के बारे में बात होगी, आज की स्थिति है, आज की रियलिटी है. हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टीयर टू सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन. कल्चर ऑफ कंजम्पशन क्या है, टीयर टू सिटीज कौन सी होती हैं और कैसे उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बढ़ रहा है. कौन सी होती है टीयर टू सिटीज? मेट्रो या टीयर वन सिटीज तो वो हो गई हमारी जो कैपिटल कैपिटल सिटीज दिल्ली मुंबई कलकत्ता, और टीयर टू सिटीज जो टाउन से ऊपर और इन मेजर सिटीज से नीचे लखनऊ इलाहाबाद बनारस बड़े बड़े टाउन्स जो बड़े बड़े बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं हमारी. गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी. कौन होते हैं ट्राइबल्स और उनको क्या एक सिंगल कैटेगरी के अंदर क्लब किया जा सकता है. तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ट्राइबल्स कौन होते हैं और वो सोसाइटी का पार्ट कैसे होते हैं. क्या वो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी जैसे होते हैं या कुछ अलग होता है,
क्या हमें ट्राइबल सोसाइटी से कुछ सीखना चाहिए? क्या हमारी सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ता है ट्राइबल्स पे? ट्राइबल्स अपने अच्छे भले जंगल में रहते थे, खुली हवा खाते थे। अब आ जाते हैं दिल्ली की पोल्यूशन में, हमारे जैसा कल्चर खाते हैं, उन्हें मोटा अन्न खाने की आदत थी, यहाँ पे मैदा खाते हैं, तबीयत खराब, बीमारियाँ। और लेकिन जो फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही हैं एजुकेशन की, हेल्थ की, वो वहाँ पे नहीं है। ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर हाई डिजीज रेट्स, माल न्यूट्रिशन रेट्स, वहाँ पे भी प्रॉब्लम। तो ये जो सोसाइटी का इम्पैक्ट है वो किस तरीके से हो रहा है और उससे क्या क्या फर्क पड़ता है? आप क्वेश्चंस देख रहे हो कैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस? अच्छा ये बताओ कि इन क्वेश्चंस को देख के, अभी तो खैर और देखेंगे हम, क्या समझ में आया? ऑब्जर्वेशन पे है ना, यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ऑन इन करंट अफेयर्स। व्हाट एल्स? कुछ ऑब्जर्वेशन आई होगी ना क्वेश्चंस को देखने के बाद कि हम क्या पढ़ना है? हमें डायमेंशंस होने चाहिए एंड रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए। रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सोसाइटल इश्यूज। अब ट्राइबल्स है तो ट्राइबल्स के क्या इश्यूज हैं हम देखेंगे अभी, कौन कौन सी चीजें हम लोग कवर करेंगे उसके अंदर। ये तो सब खैर हमारा हिस्ट्री आ गया। कुल मिला के अगर हम देखें तो हम लोगों ने अभी सिर्फ ट्रेसिंग से हम अपनी कल की क्लास की शुरुआत करेंगे। दैट हाउ विल वी ट्रेस द सोसाइटी, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, मतलब ब्रिटिश रूल, देन पोस्ट इंडिपेंडेंट, नाउ एंड फ्यूचर। और ये जो सारे ट्रेंड्स हैं हम मल्टीपल डायमेंशन में देखेंगे। वो मल्टीपल डायमेंशन क्या होंगे? सोसाइटी वुमेन के लिए भी चेंज हो रही है, वुमेन के लिए चेंज हो रही है, रिलीजन के लिए, कास्ट के लिए, लैंग्वेज के लिए, रीजन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के डायमेंशंस में चेंज हो रही है। वो सारे डायमेंशंस हम लोगों को देखने हैं कि अक्रॉस द टाइम्स कैसे चेंज हुआ है, कि पहले वुमेन का क्या रोल होता था, आज क्या है, उससे कुछ फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। अगर घर का काम भी वुमेन कर रही है और बाहर का भी वुमेन कर रही है, डबल बर्डन, तो यानी किस चेंज की ज़रूरत है? पैट्रियार्कल सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब चलो एक थोड़ा सा लिख लेते हैं, राइट योर नोट्स। फर्स्ट हेडिंग सोसाइटी। कल ये देखेंगे और कास्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नोट्स दिखाओ, नोट्स सोसाइटी वाले। अच्छा, कास्ट सिस्टम के ये सोसाइटी, सोसाइटी इज दी, सोसाइटी इज दी वेब ऑफ रिलेशनशिप्स, सोसाइटी इज दी वेब ऑफ रिलेशनशिप्स amongst the member of groups, amongst the members of a group. Full stop. Society is in close coordination with, society is in close coordination with and impacts individual, family, community,
comma, nation state, and world. अगर कोई लिख नहीं पा रहा है मतलब उसकी स्पीड स्लो है, मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ अभी शुरुआत में. एंड वर्ल्ड फुल स्टॉप. एंड वाइस वर्सा. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड भी सब पे इम्पैक्ट करेगा. ओके, वाइस वर्सा. नेक्स्ट हेडिंग, essential features of a society. essential features of a society. वो चार्ट बना लो. एक सर्कल बनाया था, हब एंड स्पॉक मॉडल. फर्स्ट क्या था उसमें? पॉपुलेशन. फर्स्ट इज पॉपुलेशन. सेकेंड टेरिटरी, उसके ब्रैकेट में लिखो गेटिंग डाइल्यूटेड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. गेटिंग डाइल्यूटेड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. थर्ड म्यूचुअल अवेयरनेस. थर्ड म्यूचुअल अवेयरनेस. फोर्थ क्या था? फोर्थ क्या था? कॉमन कल्चर. फिफ्थ सेंस ऑफ यूनिटी. वेरी गुड. क्लास में याद करके जाओ, जो क्लास में याद नहीं करेगा वो घर जाके टाइम वेस्ट करेगा. सेंस ऑफ यूनिटी. एग्जाम्पल्स ऑफ सोसाइटी. एग्जाम्पल्स ऑफ सोसाइटी. रेजिडेंशियल सोसाइटीज. रेजिडेंशियल सोसाइटीज मतलब आम्रपाली सिटी के निवासी हैं. हमारे फ्लैट का नाम क्या है? आम्रपाली, है ना? वही यही होता है. वो भी एक सोसाइटी है, रेजिडेंशियल सोसाइटीज. ट्रेड सोसाइटीज, हम सब ट्रेडर्स, ट्रेड सोसाइटीज. प्रोफेशनल सोसाइटीज, हम सब डॉक्टर, हम सब सिविल सर्वेंट. एक सिविल सर्वेंट को हाथ लगाओगे तो सब सब मारेंगे, यही होता है. मारेंगे मतलब वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. कोई कुछ होता रहे, एक पुलिस वाले को या उसकी फैमिली. कौन सी मूवी है अभी आई थी ना, एक पुलिस वाले की फैमिली को, वो कौन सा था? वो बिहार डायरीज में था ना शायद. हाँ, अरे वो बड़ी अच्छी खाकी करके एक वेब सीरीज है, तो उसमें वो दिखाते हैं ना कि गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच में भी कुछ एथिक्स होते हैं, कि अगर पुलिस वालों की फैमिली को टच किया तो नहीं छोड़ेंगे टाइप का. सुने वो? देखा है ना? इन्हें नेटफ्लिक्स देखते हो तो क्या करते हो अगर सोसाइटी भी नहीं पढ़ते उससे तो, है ना भाई? अगर कुछ देख रहे हो उसमें से कुछ लर्निंग्स निकाल के आओ. यही काम है एक सिविल सर्वेंट की सोच का. ठीक है, तो सोसाइटी है ना, प्रोफेशनल सोसाइटीज. और कैसी हो सकती है? लिंग्विस्टिक सोसाइटी और रिलीजियस सोसाइटी. हम हिंदू, हम मुसलमान, हम क्रिश्चियन, हम जैन, क्या ये सोसाइटी? और उसके बाद भी सोसाइटी के अंदर भी सब सोसाइटी, सेक्ट्स. हम दिगंबर, हम ब्राह्मण, हम वैष्णव, हम ये, हम अशरफ, हम अफजल, हम प्रोटेस्टेंट, हम निरंकारी हैं. नहीं, हम नॉर्मल वाले सिख नहीं है, हम निरंकारी वाले सिख हैं. सोसाइटी सेक्ट के बेसिस पे सोसाइटी, ठीक है. रीजनल, रीजन, रीजन बेस्ड सोसाइटी, लाइक गुजराती, महाराष्ट्रियन, बिहारी ग्रुप. अभी जब जाओगे ना ट्रेनिंग में तुरंत आ जाएंगे रीजन वाले लोग भी. अरे हम लोग तो बिहारी हैं यार, हम लोग तो रात को ऐसे करेंगे, वहां घूमने जाएंगे, ऐसा होगा, तुरंत बन जाते हैं ग्रुप्स. तो लवासना में भी छोटा ग्रुप बन गया एक, बिहारी सिविल सर्वेंट्स, है ना? पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ग्रुप. सोसाइटी नहीं है क्या वो? छोटे लेवल पे लेकिन सोसाइटी है ना? ठीक है,
और वो जो छोटी सोसाइटी है वो किसी बड़ी सोसाइटी का पार्ट है, वो क्या है, हम लबासना वाले, है ना। फिर उसके ऊपर भी एक बड़ी सोसाइटी है, हम सिविल सर्वेंट्स, और उसके ऊपर हम ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट, उसके ऊपर हम इंडियन, भाई अलग अलग। तो ये सोसाइटी अलग 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 लेवल पे चल रही है, समझ में आ रहा है कैसे चल रही है, ये ऐसे बढ़ रही है ऐसे ऐसे करके। तो सिविल सर्वेंट्स भी अपने आप में एक सोसाइटी है, लेकिन उसकी सब सोसाइटी ये, उसके नीचे ये, और छोटा 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 होता जाएगा। तो सोसाइटी बड़ी फ्लूइड टर्म है, कहीं पर भी यूज करी जा सकती है, समझ में आ रहा है। ओके ठीक है, और कैसी टाइप की सोसाइटी हो सकती है, जेंडर बेस्ड, जेंडर बेस्ड हो सकती है, रेशियल हो सकती है, वेरी गुड, रेशियल हो सकती है, और कलर बेस्ड हो सकती है, एथनिक हो सकती है, एथनिक एंड रेशियल आर नियरली द सेम थिंग, कास्ट बेस्ड हो सकती है, वर्ल्ड इज अ सोसाइटी, वर्क बेस्ड भी होती है, बिल्कुल हम सब एक टाइप के काम करते हैं तो प्रोफेशन में आ जाएगा वो। तो समझ में आया, बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ सोसाइटी के अंदर कितने भी टाइप की हो सकती है, और जहां जहां हमें यूज करना है उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, देन व्हाट, व्हाई इज सोसाइटी फॉर्म्ड, नेक्स्ट हेडिंग, व्हाई इज सोसाइटी फॉर्म्ड, फर्स्ट डिविजन ऑफ लेबर, सेकेंड क्या था, सेकेंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, थर्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, फोर्थ ऑर्डर, मेंटेनिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी, मेंटेनिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी, एंड लास्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट किस लिए, क्योंकि जब ये समझ में आएगा तभी हम बात कर पाएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कल हम इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज इंडियन सोसाइटी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन पर्टिकुलर, थोड़ा सा चेंजेस डिस्कस करेंगे, और कास्ट सिस्टम को से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ओके, लेट अस एंड दिस क्लास, एनी डाउट्स ऑनलाइन पीपल, एनी डाउट्स, मतलब नॉट इमोशनल वंस, रिलेटेड टू द टॉपिक, इमोशनल डाउट्स के ना एक दिन चर्चा करेंगे, है ना, कुछ टाइम चर्चा के लिए भी रखेंगे, उसका भी अलग मजा है ना, वो क्लास के बाद खत्म होने के बाद फिर 10-15 मिनट चर्चा करेंगे, उससे भी दिमाग खुलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बाय बाय।